हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सभी लोग मस्त चल रही जिंदगी? क्यों? तो गुड आफ्टरनून क्षितिज, गुड आफ्टरनून ऋषि, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी लोग? और तैयारी ये होगी, जितने चैप्टर पढ़े वो एटलीस्ट रिवाइज तो कर ही लिए होंगे हम लोगों ने एक बार। क्यों, या अभी भी ऐसे चल रहा है ढीलड़प्पा? हाँ, हेलो भारतीय, हेलो अमन, गुड आफ्टरनून अनुष्का। तो कैसे हो यार, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया, एकदम मस्त है। मजा आ गया? मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, मजे करो यार, पढ़ाई करते करते मजे होने चाहिए। नहीं बढ़िया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएंगे सब। अभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तब सबके दिन अच्छे आ जाएंगे। क्यों, एग्जाम खत्म होते सबके दिन अच्छे हो जाएंगे, सब मस्त हो रहे होंगे, है ना अमन? यार कितनी बार मांगोगे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू क्षितिज। सबसे पहले तो यार क्षितिज, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और जियो हजारों साल, है ना? हजारों तो क्या करोगे, चलो क्या जो भी है। आई थिंक कि बर्थडे के टाइम एग्जाम, मतलब यार ये मैंने ना अभी रिसेंटली है ना एक वो देखा था, एक वीडियो देखा था मैंने, बताता हूँ, है ना? उसमें एक लड़का है ना ऐसे बोलता है कि 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे एग्जाम डेज में आता है। तो क्षितिज के लिए 2 मिनट का मौन तो बनता है ना? क्यों, है ना? ऐसा ही है ना, करना चाहिए ना, ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है अनुष्का, वी विल शेयर विद यू, डायरेक्ट आईडी दो सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है यार, सब दे देंगे आप लोग। कल दिया तो था यार, बात कर लो आपस में, है ना? तो चलो आ जाओ फटाफट। नहीं सर, मेरा बर्थडे हमेशा मस्त बनता है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मस्ती बनना चाहिए। देखो बर्थडे है ना, लोग कहते हैं एक दिन कम हो जाता है। अरे एक दिन कम नहीं होता, 1 साल का तजुर्बा बढ़ जाता है हमारा, ठीक है? और जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इंटेलिजेंट और मेच्योर बनते जाएंगे। चलो चलो, आप लोगों को नंबर दिया हुआ है ना यार, फिर कॉल कर लिया करो। वो नंबर दे तो रखा है आपको, 8000 वाला, 00 वाला, जो भी है उस पर कर लिया करो कॉल। अमन बोल रहा है मेरे बर्थडे नवरात्रि, मेरा भी बर्थडे नवरात्रि में आता है बेटा, अक्टूबर में आता है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक, लेट्स यो-यो करें शुरू। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कैसे हमने सबसे पहले देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हमने, पढ़ा के नहीं पढ़ा, है ना? ये आपको पढ़ा दिया गया होगा ऑलरेडी, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर इस नेचुरल रिसोर्सेज से हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये आपस में सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है, ठीक है? तो ये सब इंटर रिलेटेड है, तो इन चैप्टर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, है ना? और इसमें सारी चीजें इंटर कनेक्टेड होती है, तो कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ये हमारा सबसे मेजर पार्ट रहेगा आज का, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि भाई हमारा जो नेचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, उसमें बहुत सारे तरह तरह की चीजें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल है, तो हम क्या हर चीज में बहुत ही एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज्यादा रिच है, मतलब पैसे वाले हैं, है ना? बहुत पैसे वाले हम। तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब होता है कि रिच इन, एक्सट्रीमली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। और सबसे अच्छी पहली चीज, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे सारी चीज, है ना? और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास एनिमल्स हैं, उन सबको मिला के बनता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? चलो अनुष्का बेटा चैट में भेज दो क्या लिख रहे हो, मुझे याद है आप 8 अक्टूबर का बर्थडे है। अच्छा 8 अक्टूबर को बर्थडे, चलो धन्यवाद, आपको याद है तो।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ द वॉटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस अवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, एग्जाम्पल दिया है प्लांट्स और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर. क्वालिटी ऑफ एयर मतलब हमें जो एयर मिल रही है, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं वो मिलती है. ठीक है, चलो क्या बोल रहे हो आप, ये दोनों चैप्टर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड वॉटर, ये दोनों चैप्टर सिर्फ पीटी के लिए है. अच्छा ऐसा, कोई बात नहीं, पढ़ तो ले, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा. चल तो, और जो वाटर है वो हमारे लिए पीने के लिए, अगर हम पानी नहीं होगा तो कैसे पियेंगे, क्या खाएंगे क्या पियेंगे, और सॉइल जिससे हमारा खाना प्रोड्यूस होता है. ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है बेटा, ये सब आपके इंटरलेटेड है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री, इट हैज बीन नियरली 7% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड. इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर 8% की स्पीशीज जो है टोटल नंबर, मतलब जितने भी वर्ल्ड में है उसका 8% स्पीशीज कौन लेके बैठा है सर, हमारा इंडिया लेके बैठा है. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई हमारे देश में इतनी स्पीशीज है, इतना मतलब रिच है, तो लोग बाग उसको मतलब बिल्कुल ऐसे ले लेते थे कि यार हल्के में ले लेते थे. तो कहते ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बहुत सारे है तो जो चाहे कर लो. डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना, एनिमल्स को मारना, ये सारी चीजें होती गई. जैसे हमने देखा टाइगर से, जो एक टाइम पे 55,000 से ऊपर टाइगर हुआ करते थे, अब 1857 कुछ टाइगर थे. तो इस तरीके से हमारी जो स्पीशीज थी वो धीरे 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 क्या हुई, डिक्लाइन होती जा रही थी. क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थी, मतलब होता है जिसके ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा उड़ाता है. तो वैसे ही हमने हमारे स्पीशीज के साथ, हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ वही किया. तो वो पूरा का पूरा आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. फ्लोरा एंड फौना क्या होता है सर, फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है फ्लोरा बोले तो प्लांट. क्या होता है सर, फ्लोरा बोले तो प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो वो हम डील करेंगे किससे, फ्लोरा से. ठीक है, फ्लोरा का नाम लेकर चलेगा. और फौना का मतलब होता है जो हम एनिमल से डील कर रहे हैं, एनिमल. जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो इसके ऊपर आपको पूरी किताबें मिलेगी एक पढ़ने के लिए. ठीक है, जिसमें फ्लोरा फौना उसके बारे में डीप नॉलेजेस होंगी. ठीक है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया एक बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम पे. एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर इंक्लूडेड इन द थ्रेटन्ड लिस्ट. तो जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें 10% और 20% फ्लोरा और फौना क्या है, एक ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं जहां वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और एक खतरे में आ चुके हैं. थ्रेटन का मतलब होता है खतरे में आ चुकी है वो स्पीसीज. ठीक है, वैनिशिंग फॉरेस्ट. वैनिशिंग फॉरेस्ट का मतलब, ये एक इंपॉर्टेंट वो है कि आ सकता है डिफाइन वैनिशिंग फॉरेस्ट, एक क्वेश्चन बन सकता है एक मार्क्स का. तो आपको इसमें इसके बारे में लिखना है, वैनिशिंग फॉरेस्ट आर वुड्स दैट हैव बीन रिमूव्ड बाय द पीपल फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. डिफॉरेस्टेशन इज द टर्म फॉर दिस प्रोसेस. द टर्म वैनिशिंग इज यूज फॉर डिस्क्राइब हाउ द वुड्स आर वैनिशिंग. तो वैनिशिंग फॉरेस्ट का जो मेन मकसद है वो क्या है, वो ये डिनोट कर रहा है कि कैसे हम हमारी प्लांट्स को, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे फॉरेस्ट को तबाह करते जा रहे हैं दिन पर दिन. ठीक है, तो जो वुड्स होती है, वुड्स मतलब का मतलब पेड़, तो पेड़ को हम काटे जा रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन जो है वो प्रोसेस है इसका. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जो हम पेड़ों को, जंगलों को काटते जा रहे हैं उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया एज लिस्टेड जनरेटेड बाय IUCN, एक ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एक IUCN नाम से एक कंपनी स्टैब्लिश करी गई, एक यूनियन स्टैब्लिश करी गई, जो ये लिस्ट बना के देती है आपको कि कौन कौन सी स्पीसीज कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होती है. सबसे पहली चीज तो ठीक है, क्या होगा भैया आज का है, मूड ऑफ है. अनुष्का बोल रही है मेरा मूड ऑफ है. क्यों भैया क्या हो गया, ऐसे कैसे मूड ऑफ हो रहा है, आज पढ़ाई नहीं हो रही. हाँ, मीन गोइंग टू एक्सटेंड, बिल्कुल संजना सर. ओनली एग्रीकल्चर इज हार्ड, इंडस्ट्री वाला चैप्टर भी अच्छा. चलो सबसे इजी चैप्टर है ये, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बहुत आसान है ना. नहीं बेटा, IUCN ही बोलते हैं उसे, वो यहीं पर नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज एक ही चीज है. IUCN ही बोलते हैं इसको सिर्फ. ठीक है, IUCN ही बोलते हैं. तो सबसे पहले आती है नॉर्मल स्पीशीज. नॉर्मल स्पीशीज क्या होती है,
जो स्पीशीज हम आम दिनों में देख सकते हैं, जैसे कि आप आसपास आपके देख सकते हो, ठीक है, द स्पीशीज हूज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल, काफी जनता, मतलब उनकी काफी जनता है, काफी पॉपुलेशन है उनकी फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर एग्जाम्पल पाइन, सैल ट्री, रोडेंट, ये सारे क्या है, अच्छी खासी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, मतलब इनको कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या खत्म हो गए या डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ याद नहीं हो रहा है बेटा, याद होगा, सब याद होगा, धीरे धीरे पढ़ाई करोगे ना, सब याद होगा, बस लिख लिख के पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नॉर्मल स्पीशीज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड क्या होती है, दे आर इन अ डेंजर्ड एंड ऑफ एक्सटिंक्शन एंड वुड इवेंचुअली डिक्लाइन इफ द प्रेजेंट कंडीशन कंटिन्यूज द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, टेल, मॉक्यो और सेंगाई। तो ये ऐसी स्पीशीज है बच्चों, जो कि अगर ऐसे ही उनका डिक्लिनेशन होता रहा तो ये क्या होगी, एक दिन विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेंजर है एक्सटेंशन, मतलब ये एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज, जैसे कि आपने देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। दीज स्पीशीज आर वल्नरेबल, फॉल इन टू दी एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी इन नियर फ्यूचर इफ नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर इनके नेगेटिव फैक्टर जो इनके खिलाफ है, जैसे कि जो इनके खिलाफ है, मतलब जो कि चाहते हैं कि यार जो फैक्टर चाहते हैं कि ये रहे नहीं, मतलब इनके खिलाफ, जैसे मान लीजिए इनके हैबिटेट आप उड़ाते जा रहे हो, हैबिटेट मतलब जहां पे ये लोग रहते हैं, तो क्या होगा, ये बेचारे सड़कों पर आएंगे तो धीरे धीरे ये मरने लगेंगे, तो ये मरने लगेंगे तो ये लोग नहीं बचेंगे। अगर ये फैक्टर चलते रहे तो ये वल्नरेबल स्पीशीज क्या होगी, एक सिचुएशन आ जाएगी जहां ये बहुत ही कम चांसेस होंगे कि ये वापस आपको देखने को मिले, ठीक है। सर आपका हैंग हो रहा है तो दोबारा चेक वो कर लो ज्वाइन, ठीक है बेटा, नहीं तो यूट्यूब पर देख लो। चलो, जो YouTube पर देख रहे हैं यार, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए, हाँ, बंगाल टाइगर्स, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एशियाटिक एलिफेंट, डॉल्फिन, ब्लू शीप, है ना। रेयर स्पीशीज, रेयर का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो शायद ही दिखेगी हमें, बहुत कम हो चुकी है। दे हैव कॉल्ड स्मॉल पॉपुलेशन, जिनकी बहुत ही कम पॉपुलेशन गिने चुने, कैन बी मूव टू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इन नियर फ्यूचर इफ नेगेटिव फैक्टर की अफेक्टिंग देम। एशियाटिक बफेलो और हॉर्नबिल, ये दो एग्जांपल आप लिखकर आओगे काफी है। वो स्पीशीज जिनकी जनता बहुत कम हो चुकी है, गिने चुने रह गए हैं, और अगर ऐसे ही नेगेटिव फैक्टर बढ़ते जाएंगे तो एक दिन ये इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज में आ जाएंगे, ठीक है। चल, आज सर एसएसटी रिपोर्ट में 80 आउट ऑफ 80 आए हैं, अब कुछ याद नहीं हो रहा बेटा, सब याद है आपको, बस ये है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है मैं बताता हूँ। अपन को याद सब होता है, हम पढ़ सब लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ एक ही बार करते हैं ना, तो इसी वजह से हम उसको भूलने लगते हैं। तो आपको क्या रिवाइज करना पड़ेगा 2-3 बार इनको, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, मन में बोल रहा है मेरे तो इतने कम मार्क्स आए थे, कोई बात नहीं। चलो, जो जो मूड खराब करके बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक नाम से पता चल रहा भाई, एंडेमिक। दीज स्पीशीज आर ओनली फाउंड इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। पहली चीज, ये डेफिनेशन में लिखना बहुत जरूरी है, एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है जो सिर्फ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू पाए जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म होने वाले हैं भाई, क्या चक्कर है कि वो वहां पर ही पाए जाते हैं, इसी वजह से वो वहां पर है। अब ये यहां पर है नहीं, यहां तो एक्सटिंक्ट ही मानोगे, आपकी कोटा में है ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो है एंडेमिक स्पीशीज और वी आर एंड ऑलरेडी आइसोलेटेड बाय द नेचर एंड ज्योग्राफिकल बैरियर। तो वो स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जैसे एक एग्जांपल वो हो गया, एक हो गया अंडमान टील, निकोबार पिजन्स, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है, ये आपको इसके अंदर ये चीजें लिखना जरूरी है कि भाई अंडमान टील कहां मिल रही है, अंडमान में, निकोबार पिजन निकोबार में, अंडमान वाइल्ड पिग, तो नाम से पता चल रहा है कि ये वहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आप और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कंगारू, कहां पाए जाते हैं भाई कंगारू, आपको पता है कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ना, वहीं पाए जाते हैं, तो वो वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। आपका वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो ब्लर है, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेटा आप नेट के एरिया में आ जाओ, इससे मैं तो और तो क्या बताऊं, ठीक है। चलो सर, स्पीशीज कैसे करें, स्पीशीज में क्या करना भाई, याद कर लो यार, तो बहुत आसान है,
कितना सिलेबस खत्म हुआ बेटा? सिलेबस तो काफी खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरे को ब्लर दिख रहा है, तो जिनको ब्लर दिख रहा है वो एक काम करो, यूट्यूब वाले उस पर क्लिक कर जाओ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। दीज स्पीशीज आर नॉट फाउंड इन द एरिया वेयर दे वर लाइकली टू बी फाउंड। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है ये समझना। कुछ बच्चे एक्सटिंक्ट का मतलब समझते हैं कि चले गए, अब है ही नहीं यहां पर। डायनासोर, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए कहां से? पूरी दुनिया से। जुरासिक वर्ल्ड में अभी भी दिखते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड से वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वो कहीं दिखेंगे नहीं, उनको लाया नहीं जा सकता। लेकिन कई जगह क्या होता है कि कुछ एरियाज में कुछ स्पीशीज गायब हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक टाइम पर हम लोग बोलते थे कि भाई हमारे यहाँ पर शेर आता था, है ना, गाँव में शेर आता था। अब क्या हुआ? शेर आना बंद हो गया, ठीक है। तो शेर आना बंद हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम क्या बोलेंगे कि शेर खत्म हो गए? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेटा शेर खत्म हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि शेर वहां पर अब पाए नहीं जाते, लेकिन शेर कहीं तो मिलेंगे। अब जैसे हम बोलते हैं टाइगर, अब टाइगर यहां से गायब हो गए, है ना। फिर हम जैसे उसकी बात करते हैं चीता की, है ना, एशियाटिक चीता। अब क्या एशियाटिक चीता कहीं भी नहीं है? इंडिया में नहीं है, लेकिन एशियाटिक चीता बाहर तो पाए जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में तो पाए जाते हैं। तो जो कंट्री से जैसे जो गायब हो गए तो उसको कहते हैं हम एक्सटिंक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेगा। और अभी आप लोगों को एक न्यूज मिली होगी कि आप एग्जांपल भी लिख सकते हो ये कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ चीता का ग्रुप, मतलब कुछ अच्छे खासे ग्रुप में 8-10 के ग्रुप में मेल फीमेल दोनों इंडिया लाए गए, है ना। शायद आप लोगों को पता होगा, कितने लोगों को पता है ये बात कि चीता अब इंडिया में भी आ चुके हैं। पहले तो हम बोलते थे चीता गायब हो गए, लेकिन अब चीता इंडिया में वापस आ चुके हैं। और ये मध्य प्रदेश भोपाल में शायद, है ना, भोपाल में शायद एक हैबिटेट बनाया गया उनके लिए। हाँ, मोदी जी के बर्थडे पे लाए गए थे, बिल्कुल। तो मोदी जी के बर्थडे पे कुछ चीता 8 या 7, तो ऐसे मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, है ना, वो अफ्रीका के जंगलों से लाए गए हैं। वहां पे बहुत बड़ी डील हुई उनकी आपस में, मतलब मोदी जी की और उनके प्रेसिडेंट वगैरह की डील हुई है। उस डील से क्या हुआ कि उन्होंने बात करके, मतलब बहुत टाइम से चल रही थी डील, बहुत टाइम हो गया उसको, लेकिन अब जाकर अभी इसी साल बहुत सारे चीता, हाँ 7 चीता, जिसमें 4 शायद मेल है और शायद फीमेल, ऐसे कुछ करके, और इनका एक हैबिटेट बनाया गया है भोपाल में। और हो सकता है कि आप थोड़े दिनों में आप वहां जाके देख भी सकते हो। तो मतलब बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप लोग एग्जाम के बाद कोशिश करना ढूंढना, और पता चले वहां पे मिल रहे हैं तो जाके घूम कर आना, ठीक है। चलो, तो ये चीता होता है। अब ये देखो चीता के बाद, है ना, ये आंखों के यहाँ पे ना एक काले रंग का ऐसे टीयर ड्रॉप होता है। ये टीयर ड्रॉप क्यों होता है पता है आप लोगों को? ये टीयर ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या रिफ्लेक्शन ना हो लाइट का। तो जब वो भाग रहा है तो उसको सारा एकदम फोकस दौड़ पे रहेगी, यार मुझे इधर पहुंचना है, तो इसीलिए इसके टीयर ड्रॉप होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एशियाटिक चीता। अब एशियाटिक चीता क्या है सर? एशियाटिक चीता, अब कुछ लोग है ना, पहले से बता दूं, एशियाटिक चीता और ये कौन होता है वो तेंदुआ, तेंदुआ में फर्क होता है, ठीक है। तेंदुआ क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं तेंदुआ को? लेपर्ड, ठीक है। तो ये एशियाटिक चीता है, ये आप देख ही रहे हो, एक होता है तेंदुआ, तेंदुआ बोलते हैं उसे हम, क्या बोलते हैं? लेपर्ड, है ना, लियोपर्ड। अब भैया ये दोनों अलग होते हैं। कुछ बच्चे तो नहीं, कुछ बच्चों के माता पिता कहते हैं कि हमने चीता देखा था, लेकिन चीता तो बहुत सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था इंडिया में, है ना। कई लोगों ने कहा होगा ऐसा, है ना। तो हमें पता चला कि चीता तो हमारे यहाँ से कब हुआ था, 1952, है ना, 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। तो उस समय तो अपने मम्मी पापा भी नहीं होंगे, है ना, दादा दादी होंगे, उन्होंने देखा होगा, हो सकता है। लेकिन मम्मी पापा ने चीता देखा, वो बोलते चीता देखा, लेकिन उन्होंने चीता नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा? लेपर्ड देखा। लेपर्ड और चीता बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, बस फर्क क्या होता है, लेपर्ड जो होता है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटा होता है और आलसी होता है, बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता है पाटों की तरह, ठीक है। चीता धोते टाइम इतने मस्त लगते हैं, क्या बताऊं। अच्छा, तुमने देखा है, आयुष बोल रहा है है ना। तो लेपर्ड क्या होता है? आलसी होता है बिल्कुल, थोड़ा मोटा होता है। लेकिन जो ये चीता होता है ना, एकदम स्लिम ट्रिम होता है, जिम जाता है एकदम, मतलब मेरी तरह नहीं होता, एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम में रहता है, बिल्कुल एकदम फिट एंड हैंड, है ना। मैं तो मैं लेपर्ड के जैसा हूं, मैं थोड़ा सा तोंद वोंद निकल रही है, मोटा हो गया, है ना। तो एक तो ये होता है डिफरेंस, है ना, एक डिफरेंस पहली चीज कि वो जिम विम जाता है, मतलब स्लिम ट्रिम होता है एकदम बढ़िया, है ना। और लेपर्ड की हाइट ज्यादा होती है और चीते की हाइट कम होती है, दूसरा डिफरेंस, ठीक है। ये टॉपिक कट गया है, कोई बात नहीं, आपके कटा है, बाकी लोगों के थोड़ी कटा है। अच्छा, मैं चीता हूँ, चलो ठीक है, मैं चीता हूँ, चीता भी पीता है, ठीक है, चीता भी पीता, सुना होगा ना आप लोगों ने,
ये टॉपिक लर्न नहीं करना, बस ऐसे याद कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीता है। चीता के ऐसे ब्लैक सर्कल वाले स्पॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक स्पॉट होते हैं, वो भी सर्कुलर। लेकिन जो चीता ये होता है ना लेपर्ड, इसके ऐसे अल्फा बीटा गामा ऐसे कुछ भी आड़े टेढ़े वो बने रहते हैं स्पॉट, ठीक है। तो वो मनमर्जी के स्पॉट लेके घूमता है अपने। और ये देख रहे हो ना टीयर ड्रॉप, तो ये जो चीता भाई साहब होते हैं ना, चीता भाई साहब के टीयर ड्रॉप होते हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब कुदरती है एकदम, बहुत ही खूबसूरत से जो इसके होते हैं, लेकिन उसके नहीं होते लेपर्ड के, है ना। चीता सिर्फ दौड़ सकता है, लेकिन लेपर्ड पेड़ पे चढ़ सकता है। पता है आप लोगों को, लेपर्ड पेड़ पे चढ़ सकता है लेकिन चीता पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो आप याद रख सकते हो। अगर मान लीजिए किसी के एग्जाम में आ जाए सीबीएसई बोर्ड में, तो कोई बात नहीं, और किसी बोर्ड में तो आ ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ठीक हूँ, धन्यवाद अनुष्का, ठीक है। तो चीता जो है, चीता का नाम होता है एसिनोनिक्स जुपिटर, एसिनोनिक्स, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना, ये इसका वो बायो वाला वर्ड है ना, एसिनोनिक जुपिटर इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल, सबसे तेज दौड़ने वाला फास्टेस्ट एनिमल वो है मैमल। इट इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली, ये भी बिल्ली की फैमिली का। देखो बिल्लियां हैं, बिल्ली जैसा दिखता है, बिल्ली की तरह उसका मुंह होता है, ठीक है। फिर इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो, आप 112 किलोमीटर मतलब कार आई और शट चली गई, तो मतलब इतनी रफ्तार से दौड़ता है 112। अगर आप एक कार में बैठ के कभी हाईवे पे गए होगे तो आपने देखा होगा कैसे कार 100 की स्पीड चल रही है, जब कैसे निकलती है एकदम आपके पास से, तो उसी रफ्तार से ये दौड़ता है। अब आप सोचो अगर बाई चांस कभी आपके सामने आ जाता तो पहले चेक कर लेना कि चीता है कि लेपर्ड है। और लेपर्ड है तो फिर भी भागने की कोशिश करना, क्योंकि लेपर्ड तो आलसी होता है, उससे तो बच जाओगे, लेकिन चीता हो तो भागने की जरूरत मत करना। मतलब फिर समझ लेना कि तुम्हारे दोस्त से तेज भागना है बस, चीता से तेज तो भाग ही क्या पाओगे, तो ये सोच लेना कि हमारा काम तबाह हो गया है, ठीक है। तो इसलिए चीता, अगर चीता के सामने आ जाओ कभी तो भागने की कोशिश मत करना। अगर दो दोस्त है तो उस दोस्त से तेज भागना कि कम से कम मैं तो बचूंगा, उसको खा जाएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, ए डिस्टिंग्विश मार्क, वही चीज में होता है डिस्टिंग मार्क, एज अ लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइन एंड ईच साइड द नोज फ्रॉम द कॉर्नर एंड इट्स आईज टू द माउथ। तो ये आंखों से लेके नाक तक, और ये आग नाक के पास से मुंह तक इसके टीयर ड्रॉप होते हैं। अच्छा 70 माइल पर आवर, ठीक है। तो माइल्स में निकाल के बता दिया हमें आयुष जी ने, आयुष जी ने पता नहीं। चलो आगे बात करते हैं, प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अफ्रीका एंड एशिया। पहले 20th सेंचुरी से पहले हमारे देश में और पूरे एशिया में बहुत सारे चीता फैले हुए थे, लेकिन धीरे 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 ये एक्सटेंट होते चले गए, और अभी भी अफ्रीका के अंदर तो अभी भी है। टुडे द एशियाटिक चीता नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। इन 1952 इट वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो चीता जो थे वो डिक्लाइन होते गए धीरे 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 धीरे, और 1952 में बोल दिया गया कि भाई ये अब यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं, हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं। और ये क्यों हुए? क्योंकि इनके लिए हैबिटेट नहीं था। हैबिटेट बोले तो इनके रहने के हिसाब से, हम लोगों ने जंगलों को काट दिया, जहाँ ये रहते थे वहां से हमने जंगल काट दिए और जंगलों में जाके हम रहने लग गए, तो इस वजह से इनको ये चले गए। आपको दोस्त के बीच में फूड दिलवा रहे हो, कोई बात नहीं, लड़ लो। एंड प्रे, प्रे कौन होता है बेटा? इसका नाश्ता, जो ये खाता है वो प्रे होता है, ठीक है। तो इसका नाश्ता नहीं होगा तो बेचारा क्या खाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या बेचारा सोचता है कि यार मैं क्या करूं, तो वो चला गया, उसने जब मैं रह गया भी क्या करूंगा, तो वो यहां से बोरिया बिस्तर लिया और निकल लिया, मतलब सिमट गए ये लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब कम होना, किसी चीज का कम होते जाना, ठीक है। सर चीता दौड़ते टाइम 20% ही लैंड पर रहता है, हाँ यार कैसे रहेगा, वो टच करेगा फिर भग जाएगा, टच करेगा फिर पैर ऊपर आ जाएगा, तो 20% का। ह्यूमन आर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब जो हम लोग हैं, जैसे आप मैं ह्यूमन जितने भी हम लोग हैं, वो कौन है भाई? वही एकमात्र रीजन है किसके, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के। मतलब पेड़ पौधे अपने आप ही थोड़ी ना चल के कट गए होंगे, चटके थोड़ी ना ऐसे ही जल गए होंगे, कौन कर रहा है सब? ये ह्यूमन कर रहे हैं, जो हम लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं, और हम ही एक सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे फ्लोरा और फौना के। दे ट्रांसफॉर्म नेचर फॉर ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट, लाइक वुड, बार्क, लीव, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया नेचर को। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया,
हमारे यूज के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए था, कुछ चीजें होती है जो हम डायरेक्टली डिपेंड होते हैं नेचर पे और कुछ चीजें होती है इनडायरेक्टली डिपेंड होती है। जैसे डायरेक्टली क्या होता है, हम डायरेक्टली वहां से खाना लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, और इनडायरेक्टली मेडिसिन बनती है, पेपर बनता है और बहुत सारी फ्यूल्स वगैरह ये सब चीजें वहां से बनती है मेडिसिन वगैरह। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे फॉरेस्ट काटते गए और जो डिप्लीशन हुआ फॉरेस्ट का उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय होने लगी, क्योंकि जंगलों के अंदर ही तो वो रहते थे, फॉरेस्ट के अंदर ही अगर जो जानवर रह रहे हैं, जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो कहां रहेंगे। अगर मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं, आपके घर को जला के राख कर दें तो आप कहां जाओगे, बाहर ही रहोगे ना, फिर आपके पास जगह नहीं होगी रहने के लिए तो कहां जाओगे। तो इसी तरीके से अगर उनके उनके जो घर थे, जो फॉरेस्ट था वो कितना जंगल जो था वो हमारे एनिमल्स के लिए घर था, तो वो घर ही उन्होंने जला दिए, वो काट दिए, तो वो बेचारे डिस्ट्रॉय होते थे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये तो यार बिल्कुल एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है कि भाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज है। तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि भाई सबसे पहले तो क्या है कि ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड इन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो पहली चीज तो ये, हम बात करें कोलोनियल पीरियड। कोलोनियल पीरियड कौन सा है भाई, जल्दी बताओ, किसको पता है कोलोनियल पीरियड के बारे में, जल्दी बताओ कोलोनियल पीरियड क्या है, जल्दी बताओ कोलोनियल पीरियड कौन सा था। कोलोनियल पीरियड का मतलब है जब हम ब्रिटिश की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, एक बात बताता हूं कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, तो हमारे जितने भी यहाँ पे लोकल पब्लिक थी जो इंडियंस थे, वो क्या करते थे, पेड़ों से चीजें लेते थे, जैसे फ्रूट्स ले लिए, पेड़ काट के लकड़ियां ले ली। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको बिल्कुल क्रिमिनल की नजर से देखते थे, उनको शक की नजर से देखते थे कि यार ये है ना हमारे यहाँ से ये ले जा रहा है क्यों। अब उनका तो क्या था कि जो भी पेड़ कटता था वो पूरा उनके ब्रिटिशर्स उनके यूके यूके में जाता था, मेडिसिन वगैरह यहाँ से बनके जाती थी, पेपर, फ्यूल, सारी चीजें, डाई वगैरह यहाँ से बनके जाती थी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे उस समय, उनको बंदिश में कर देते थे, मतलब उनको जेल में डाल देते थे कि भाई तुम पेड़ काट रहे हो तुम घर जाओ। तो वो पेड़ काटने को नहीं रोक रहे थे, मतलब वो रोक नहीं रहे थे उनको, वो क्या कर रहे थे, वो अपना फायदा देख रहे थे, क्योंकि उनको वहां से लगान नहीं मिल रहा था, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, फ्री फोकट में इंडियन लोग पेड़ काट के लेके जा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन लोगों का पेड़ काटना बंद करके उनको जेल में डाल देते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता, उनका जो एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंशन कैसे हुआ था, रेलवे के थ्रू। रेलवे के लिए आपने देखा होगा जो, जैसे ये रेलवे ट्रैक होती है तो इसके नीचे ऐसे आजकल तो देखा होगा सीमेंट के वो लगे रहते हैं, है ना, ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक्स। तो जो क्यूबिकल ब्लॉक्स थे वो पहले वुड के होते थे, तो रेलवे का एक्सपेंशन के लिए हम लोगों ने पेड़ काटे, ठीक है। हाँ, फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सॉरी एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, जनता बढ़ रही है ना, तो जो पेड़ है अब इस पेड़ को क्या करते थे, पूरा काटते थे और इसमें आग लगा देते थे, तो ये जलाकर खाक कर देते और इसी में फिर एग्रीकल्चर करना चालू किया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा सारे पेड़ काट दो और सागवान के पेड़ उगाने लग जाओ, क्योंकि उससे उनको ज्यादा फायदा हो रहा था, तो वो जो बाकी जो पेड़ थे वो सारे काटते जा रहे थे और सागवान उगा रहे थे। माइनिंग, माइनिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मतलब बहुत जरूरी भी है, लेकिन माइनिंग से भी बहुत सारे फॉरेस्ट को इफेक्ट होने लगा और बहुत सारे फॉरेस्ट डिप्लीट होने लगे। इन 1951, बिटवीन 1951 एंड 1980, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया आर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर द इंडिया एज सस्टेनेबली पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट, स्पेशली इन द नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वर डीफॉरेस्टेड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जैसे मैंने बताया शिफ्टिंग में, है ना, जूम एंड टाइप ऑफ अ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। तो क्या हुआ, 1951 से लेकर 1980, ये ईयर याद रखेंगे आप लोग कि इन ईयर के टाइम पर फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ उससे ये पता चला कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट से काट कर एग्रीकल्चर लैंड में बना दिया गया। क्या किया उन्होंने, इतना एरिया जो फॉरेस्ट था उसको पूरा काट दिया, पूरा साफ कर दिया और उस पर खेती बाड़ी चालू कर दी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हुआ, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट, स्पेशली इन नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वेयर डीफॉरेस्ट टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ये क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब यही था कि पेड़ काट देते थे पूरे और पेड़ काट के उसको एग्रीकल्चर में ले शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और शिफ्टिंग के साथ साथ ये क्या करते थे, स्लैश वन, स्लैश वन का मतलब ये होता था कि जितने भी पेड़ थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेड़ थे, ये पूरा ब्लॉक है, इसमें बड़े बड़े पेड़ थे, इन्होंने क्या किया सारे बड़े बड़े पेड़ को काट दिया, छोटे ये बेचारे लेट गए, ठीक है, इनको काट के इसमें माचिस लगा दी, माचिस लगा दी तो सारे जल जाएंगे क्योंकि वो सूख चुके होंगे, सूखने के बाद वो जल जाते थे और वो फ्लैश बर्न उसी को कहते थे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो।
और इसके बाद इस पर खेती होती थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है स्लैश वन का। अगर मान लीजिए कभी एक मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। चलिए, अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड प्रोग्रेस इन रिवर वैली प्रोजेक्ट सिंस 1951। तो 1951 से रिवर वैली प्रोजेक्ट अभी हम अगले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि भाई क्या था ये, लेकिन रिवर वैली प्रोजेक्ट ने हमारे फॉरेस्ट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। क्या करते थे कि भाई मान लीजिए उनको कोई डैम बनाना है ना, कोई भी प्रोजेक्ट उठाना है, तो वहां के आसपास के फॉरेस्ट को बहुत नुकसान होता था। जैसे कि मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, ध्यान समझना, ये माउंटेन से आ रही है, यहां से ये रिवर आ रही है, ये एक ब्रॉड होती थी, मतलब एक ही स्पीड, मतलब जो स्पेस था वो इतना था कि यार बस ऐसे पैरेलल चल रही है। तो ये क्या करते थे, यहां पर मान लीजिए उन्होंने डैम बना दिया, ठीक है, अब ये डैम बना दिया, इसको डैम नहीं बोलते, इसको स्पिलवे बोलते हैं। डैम का मतलब कुछ और होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये जो एरिया था यहां पे पानी इकट्ठा होने लगा, अभी तो नहर इतनी सी थी, लेकिन अब वो पानी इकट्ठा होगा तो ये आसपास के लोग भी इधर इफेक्ट होंगे, है ना। अब जो लोग थे वो तो भाग जाएंगे, लेकिन वो पेड़ पौधे थे वो क्या करेंगे बेचारे, वो थोड़ी ना यहां से उठ के भागेंगे। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग तो चले गए, लेकिन पेड़ पौधे नहीं भाग सकते थे, तो पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा, इस वजह से वो बेचारे डूब गए। तो वो तो बेचारे बिना पानी के रहने वाले, और वो पूरे पानी में रहेंगे तो डूब जाएंगे, तो वो बिगड़ गया, मतलब वो डिप्लीट हो गए, हैज बीन क्लियर्ड, और इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ भी काटे गए। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 40,000 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड इन द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो एक एग्जाम्पल दे सकते हो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट का, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके कारण से काफी फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा, ठीक है। माइनिंग ऑल्सो कॉज अ लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज द थ्रेटन बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो टाइगर जो रिजर्व था यहाँ पर, वो माइनिंग की वजह से एक थ्रेटन में आ चुका। तो माइनिंग होती थी, है ना, अब जहां भी माइनिंग होती है वहां ब्लास्ट होते हैं तो आसपास के एरिया को इफेक्शन होता है ना, पेड़ पौधे भी काटे जाते हैं। तो उसके कारण से क्या हुआ कि जो टाइगर रिजर्व था उसको एक थ्रेटन मिलने लगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द वेरियस फैक्टर लाइक पोचिंग, ओवर एक्सप्लोइटेशन, पॉपुलेशन हंटिंग, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू डिक्लाइन ऑफ द वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब देखो पोचिंग क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए आप लोगों को किडनैप कर ले तो उसको कहते हैं किडनैपिंग। मान लो आपको किडनैप करके मैं आपके पापा से बोलूं भैया मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, ठीक है, तो वो होती है किडनैपिंग। लेकिन अगर एनिमल जानवर के बच्चे को किडनैप करते हैं तो वो होती है पोचिंग, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, पोचिंग का मतलब क्या होता है, तो जानवर के बच्चे को किडनैप करें, होता किडनैपिंग ये है ना। वो किडनैप क्यों करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि उनके मम्मी पापा से बोलेंगे कि भैया 1,00,000 रुपए दो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, मतलब ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, उनसे मेडिसिन बनाते थे, उनकी स्किन को यूज करते थे, लेदर बनाते हैं, और फिर उनकी बाहर, मतलब बाहर देशों में उनको बेचा जाता था सिर्फ पैसों के लिए, तो उसको पोचिंग कहते हैं, ठीक है। सिर्फ 1,00,000 मांगोगे, अरे आयुष बोल रहा 1,00,000, अब तुम इससे ज्यादा क्या रखो तुम्हारे लिए, 1,00,000 रुपए बहुत है तुम्हारे लिए यार, ठीक है। चलो सर नहीं देंगे मेरे पापा, आप खुद वापस घर छोड़ के जाओगे। अरे तो आओ, तुमको किडनैप तो करें हम, फिर देखो 1,00,000 में तुम्हें 10,00,000 मांगेंगे हम तुम्हारे पापा से, ठीक है। ओवर एक्सप्लोटेशन, उनका एक्सप्लोटेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, सॉरी पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारी वजह से, हंटिंग हो रही है। हंटिंग में पहले क्या होता था, एक ही राजा 300 शेर मार देता था, ठीक है, आपने सुना होगा ये कि राजा जाता था जब भी शेर, मतलब हंटिंग पे जाता था, तो एक बार में 4-5 शेर मार के उनकी बॉडी को लेकर आता था, जो उनकी स्किन होती थी उनको अपने कार में, अपने सोफे पे, इन पे यूज करते थे, अपने बेड पे यूज करते थे। हिरन के जो सींग होते हैं उनका सर जो होता है वो दीवार पे लगाने के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए उसका यूज किया करते थे, ठीक है। चलो आयुष बोल रहा है खुलेआम किडनैपिंग का प्लान बन रहा है, अच्छा ऐसा, मेरे घर वाले 2 रुपए ना दे 1,00,000 तो हम हार्ट अटैक आ जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं मांगेंगे आपसे पैसे, चिंता मत करो, ठीक है। क्या हुआ किला राजपूत, क्या बोल रहे हो राजपूत जी, राजपूत जी बहुत ही ईगरली है ना संजना के प्यार में वेट कर रहे हैं, संजना को बोले जा रहे हैं प्लीज बोलो प्लीज बोलो, अलग चल रहा होता दुनिया, अलग चल रही है, ठीक है। सर बैल के पत्ते को शेड से शिवलिंग पे चिपकाया, हाँ बिल्कुल ये भी किया जाता है बिल्कुल। चल आगे बात करते हैं, ओवर पॉपुलेशन ऑफ इज 1/3 पॉपुलेशन, 1 इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री
प्राइमरी कॉज ऑफ एनवायरमेंट, मतलब हम जो जो हैं, मतलब आने वाले टाइम पर ये थर्ड थर्ड वर्ल्ड की जगह हम फर्स्ट वर्ल्ड हो जाएंगे, हमें वहाँ पे कोई ओलंपिक का वो मिलने वाला है मेडल, तो इस वजह से हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत रफ्तार से दौड़ रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहे हम लोग, तो एक ओवर पॉपुलेशन भी हमारे पेड़ पौधों को कटने का, पेड़ पौधों को नष्ट होने का बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो ये थर्ड से थोड़े दिनों में अपन आ जाएंगे फर्स्ट पे, तो बधाई हो आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इन प्राइम कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, अब बहुत सालों बाद, बहुत ही मतलब बर्बाद होने के बाद, जब हमारी मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर थी, तो हमने खूब उड़ाया, खूब पैसे उड़ाए, खूब पेड़ काटे, खूब जन एनिमल मारे, खूब टाइगर्स और ये सब मारे, तो उसके बाद में हमने क्या किया, हमारी सरकार को लगा कि यार हमें अब इनको बचाना चाहिए, फाइनली उनको लगा कि यार अब हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था, डिक्लिनेशन होता जा रहा था, डिग्रेडेशन होता जा रहा था, डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा था, तो फिर सरकार ने सोचा, सरकार ने भी और फिर सिटीजन्स ने भी, नॉर्मल सिटीजन्स ने भी सोचा कि यार इससे हमारा नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, तो फिर हमने कंजर्वेशन के बारे में सोचा, क्या क्या पॉइंट्स लिए, क्या क्या चीजें हमने ली, वो बताए। कंजर्वेशन इज अ वाइटल थिंग, इट हेल्प टू अस टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट अवर इकोसिस्टम, विच टर्न्स हेल्प टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट इकोसिस्टम हैज। तो ये जो कंजर्वेशन है ये यूजफुल क्यों है, पहली चीज हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो फ्लोरा फौना है उनको बचाने के लिए, क्योंकि एक साइकिल चल रही है ना, फूड चेन चल रही है, अगर मान लीजिए एक भी जना वहां से निकल जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो दूसरी जो जनता है वो बढ़ती जाएगी। मान लीजिए शेर जो है वो हिरण को खाता है ना, तो अगर शेर खत्म हो गए तो हिरण क्या होगा, हिरण की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ये साइकिल, जेनेटिक और ये सारी चीजें मेंटेन रखने के लिए हमारी सरकार ने सोचा कि अब हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, और ये कंजर्वेशन का सबसे मेजर पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले था वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंप्लीमेंट किया गया 1972। भैया ये साल याद रखने, तुम बोलोगे सर कल भी इतने सारे साल याद करा दिए, आज भी साल याद करा रहे हो, तो साल तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सालों साल तक चलेगा ये साल, इसलिए सारे साल याद कर लो। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, विच मेड वेरियस प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। इसमें क्या क्या किया, हैबिटेट बचाया, हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, उनके घरों को, जो जानवर थे उनके घरों को बचाया, उनके घरों को नहीं बचाएंगे तो यार वो रहेंगे कहां, सबसे पहले क्या करेंगे, घर बचाएंगे। अभी आज हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। अब शेर, शेर के लिए तो रोटी भी वही है, कपड़ा तो पहनता नहीं है, और मकान भी वही है, अगर उसके पास मकान होगा तो उसको रोटी भी मिल जाएगी, कपड़े की उसको जरूरत नहीं है। आपने देखा किसी को, जानवर को ऐसे कोट पैंट पहन के घूम रहा है, टाई लगा के इंटरव्यू देने आ रहा है, नहीं ना, इस सरल में आ रहा है कि मैं एसएससी पढ़ाऊंगा, आप इंटरव्यू ले लो मेरा, है ना, ऐसे नहीं होता। तो उनके लिए क्या है, हैबिटेट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज को सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहले उनका घर बचाएंगे, ठीक है। सरकार ने सोचा पहले उनका घर बचाओ, और घर बचाने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने देखा कुत्तों को, तो कुत्तों को तो देखो मैंने भी देखा है, मेरे घर में भी है, उसको मैं बढ़िया एकदम टाई वाई पहना के और क्या बोलते हैं ऐसे जैकेट पहना के, वो कट स्लीव वाली जैकेट पहना के रखते हैं सर्दियों में, टाई तो नहीं पहनाई घर मैंने, है ना। और एक वो एंटरटेनमेंट का कुत्ता, बिल्कुल वो ऐसे गले में एंटरटेनमेंट अटका के चेन वेन पहन के सोने की, वो एकदम यो हनी सिंह बनते हुए, है ना। चलो गुड मॉर्निंग सर, नींद आ रही ही है, क्या करूं, सो जाओ, ठीक है, नींद आ रही तो सो जाओ। जूटोपिया, जूटोपिया नहीं जानता मैं क्या होता है, क्या होता है जूटोपिया भाई, अनुज कौन बोल रहा है, रिशित, जूटोपिया मैं नहीं जानता बेटा, अच्छा मूवी, ओके चलो बहुत बढ़िया। एलोन मस्क का डॉग न्यू सीईओ ट्विटर का, अच्छा ऐसा तो सब यार, आयुष लिख रहा है कि एलोन मस्क का डॉग जो है वो ट्विटर का नया सीईओ बन गया। चलो अब कुणाल बोल रहे हैं ह्यूमन खत्म हो जाएंगे तो एनवायरनमेंट सही हो जाएगा, बेटा ह्यूमन खत्म होंगे तब भी एनवायरनमेंट तो सही होगा नहीं, है ना, उसके मतलब उसमें भी दिक्कत है, मतलब आप सोचो कि ह्यूमन को खत्म कर दो, है ना, एक एवेटार वो मूवी थी ना, कौन सी आई थी 2002 करके, ऐसे सबको नष्ट कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट सही हो जाएगा, है ना, एनवायरनमेंट तब भी सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो पहली चीज क्या थी कि उन्होंने हैबिटेट, घर बचाए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो घर, अरे घर लिखना है भाई, ठीक है।
तो उन जानवरों के घर बचा, हैबिटेट का मतलब होता है घर, ठीक है। हंटिंग वॉज बैन एंड लीगल प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू देयर हैबिटेट। तो पहली चीज हंटिंग बैन करी और उनके घरों को लीगल प्रोटेक्शन दिया, वहां पे गार्ड बिठाए गए, पुलिस स्टाफ बिठाए गए, है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए गए जिससे कि वो जंगलों में कोई भी हंटिंग करने ना जा सके, ठीक है। तो हंटिंग रोकी गई और लीगल प्रोटेक्शन दी गई उनके घरों को। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस, जैसे कि ये देख रहे हो घड़ियाल और ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ पे एक वो है चंबल गार्डन, अब तो पता नहीं मैं गया नहीं बहुत टाइम से, है ना, चंबल गार्डन है, उसके अंदर है ना बहुत सारे ऐसे क्रोकोडाइल देखे मैंने, और एक वो जिसकी नाक ऐसी लंबी सी होती है वो भी देखा मैंने एक बार, ठीक है। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक मेंबर्स। तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स जो एक्सटेंट होते जा रहे थे, जो मतलब बिल्कुल रेयर हो चुके थे, जिनकी स्पीशीज नहीं दिख रही थी, उनके लिए उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया, ठीक है, विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड, मतलब जो थ्रेटन्ड थे उनके लिए, इंक्लूडिंग टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, वन हॉर्न मतलब जिसके एक ही सींग होता है, ठीक है, इधर है क्या फोटो में, इधर नहीं है, ठीक है। फिर कश्मीर स्टैग, हैंगुल, थ्री टाइप क्रोकोडाइल, तीन टाइप के क्रोकोडाइल होते हैं, एक वो होता है चंबल वाला होता है, एक वो छोटी लंबी नाक का होता है, नाम मुझे ऐसे याद नहीं है, नाम याद कर लेना एक बार, है ना। फ्रेश, ये रहे ना, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, घड़ियाल होता है जिसकी लंबी सी नाक होती है, ठीक है, घड़ियाल राजस्थान में भी पाया जाता है, कोटा के अंदर भी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्रोकोडाइल को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया सरकार ने कि भाई अब इनको बचाने का समय आ गया, हमने बहुत नुकसान कर लिया, बहुत सारे जन जंतुओं को मार दिया है, तो अब हमें बचा है। गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड पार्शियल और फुल लीगल प्रोटेक्शन टू एनिमल सच एज इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा। अब ब्लैक बक, अच्छा ब्लैक बक के बारे में सुन के कुछ याद आया आप लोगों को, ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था ना ऐप पर भी आपने देखा होगा मैंने पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो ब्लैक बक से कुछ याद आया किसी को, अच्छा देखते हैं किसको याद आता है ब्लैक बक के नाम से। सर कोरोना में आया था बाहर, नहीं 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 कोरोना में आया था वो नहीं, अच्छा चलो हिंट देता हूँ, चलो गूगल कर लो, चलो देखते कितने लोग गूगल करके आते, देखते चलो फटाफट ब्लैक बक के बारे में गूगल करके आओ, कौन है ब्लैक बक के बारे में बताओ क्या था, क्या याद आया ब्लैक बक के बारे में, गूगल बक नहीं है ये ब्लैक बक है, नारा एक गूगल बक बोल रहा है हमारी जिंदगी में बग हो जाएगा, नहीं आया यार लगता है, अच्छा चलो कॉल इंडियन, अबे यार तुम ना एक तो गजब करते हो यार, हाँ कुणाल ने बोला, अब ब्लैक बग बोले तो सल्लू भाई ने ब्लैक बग को मारा, चिंकारा वही है ना, क्यों ओ अब याद आया, ऋषि बोला ओ दे तेरी की, हाँ डियर की तरह बिल्कुल, चलो बहुत सही, आप बताओ बता दिया हमने, ठीक है। तो जो ब्लैक बग था उसके लिए एक प्रोटेक्शन थी, एक मूवी आई थी याद है आप लोगों को, क्या थी मूवी का नाम था, जिसमें एक गाना था ABCDEFGHI, एक गाना था उसके अंदर सलमान खान है ना, सोनाली बेंद्रे है ना, और करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, ये सब थे, हम साथ साथ हैं, हाँ। तो वो लोग राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे शायद भरतपुर में, तो उन लोगों ने क्या किया कि वहां पे हंटिंग करी, और हंटिंग करी तो बेचारे ब्लैक बक को मतलब कर दिया, और बेचारे वो सलमान खान भाई साहब भाईजान, किसी की जान किसी के क्या था वो यार फिर भूल गया मैं, ठीक है, किसी का भाई किसी की जान मूवी आ रही है ना, तो वो बेचारे भाईजान सलाखों के पीछे थे इसकी वजह से, ठीक है। इंडियन एलिफेंट, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है, स्नो वाले एरिया में, ठीक है। ये कौन है मास्टर जी, अच्छा ये मूवी के एक्टर एक्ट्रेसेस थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यार डिस्टिंक्ट होते जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट ने एक पार्शियल और फुल प्रोटेक्शन उन लोगों को दे दी, ठीक है। याद आ गया ना, अब याद रहेगा ना ब्लैक बक का नाम, ब्लैक बक भूल जाओ तो चिंकारा तो ना, वैसे तो चिंकारा ही बोलते थे ना उसे, जो भी है तो लिखकर आ जाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सल्लू भाई वल्नरेबल है, हाँ वो क्या करते हैं वो है ना, मतलब गोलियों से इनको मारते हैं और कारों से इंसानों को मारते हैं, वो मतलब बहुत ही प्रो लेवल है, प्रो मैक्स है वो सल्लू भाई, ठीक है। चलो तो सल्लू भाई की मूवी देखने कौन कौन जाएगा अब, चलिए आगे बात करते हैं, सल्लू भाई को मजाक में मस्ती मजाक है, चलो सल्लू भाई सबके फेवरेट है ना, कितने लोगों के फेवरेट है, चलो बताओ सल्लू भैया किसके फेवरेट है,
सल्लू मियां को आज ये वीडियो हम सलमान खान तक पहुंचा के रहेंगे कि सलमान भाई साहब आपके फेवरेट हमारे यहाँ ईसरल बैठे हुए जो आपके फैन है, ठीक है। ये देखो ये लाइन से लिखा मेरा फेवरेट है कहीं नहीं जाएंगे, होम थिएटर है। बहुत बुरा लगता है मानसी को। अरूबा परवीन बोल रही है शाहरुख खान, शाहरुख खान का चलो ठीक है। किरण ऐसे सल्लू जी, अरे यार ऐसे मत करो, सलमान भाई भी भाई है, सबका भाई सबकी जान। अल्लू अर्जुन चलो ठीक है ठीक है, तुम तो सीरियस हो गए यार, इतने सारे हीरो के नाम दे दिए हमें हैं हम सर शीर्षांक SSR बेस्ट ओके। सुशांत सिंह राजपूत चलो बहुत बढ़िया ठीक है। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ये अकेले में एक 5 मार्क का क्वेश्चन रखता है भाई, ठीक है भाई और किसी बच्चे की बहनों है ना, तो ये अकेले में 5 मार्क का क्वेश्चन रखता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक मात्र ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत ही बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कहते ना विजिबल हुआ, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आया, वो था प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ फॉनल वेब। अब इस लाइन से क्या समझते हो, चलो देखो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये आप एग्जाम में लाइन लिखकर आओगे, इस लाइन के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉनल वेब का मतलब ये कि अगर चीता जो टाइगर है, अगर टाइगर मान लीजिए टाइगर जैसे खत्म होने लगे, टाइगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, जो साइकिल चल रही है फॉनल वेब, फॉनल वेब का मतलब है जो फूड साइकिल है, फूड चेन है, उस फूड चेन में नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए चीता हिरण को खा रहा है, मतलब चीता नहीं है सॉरी ये टाइगर, टाइगर बोले तो बाघ, अगर टाइगर हिरण को खा रहा है तो क्या होगा, हिरण की जनता बढ़ने लगेगी, टाइगर कम होंगे। तो एक फॉनल वेब को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा की पॉइंट है कौन, खुद में एक की है जो स्पीशीज है वो है टाइगर, ठीक है। तो आपको इसको ये पॉइंट बना के लिख सकते हो। इन 1973 द अथॉरिटी रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन इज ड्विंडल टू 1827 फ्रॉम एस्टिमेट 55,000 एट द टर्न ऑफ सेंचुरी। यही चीज मैं बता रहा था कि 1973 में जो हमारी सो कॉल्ड सरकार है, उन सरकार को अथॉरिटी को ये रियलाइज हुआ कि 100 सालों में एक सेंचुरी के अंदर, मतलब अगर हम बात करें 1873 से लेके 1973 के बीच में, हमारे पास जो 55,000 टाइगर थे, कितने थे 55,000 टाइगर, वो कितने रह गए 1827, मात्र 1827। मतलब इतना बड़ा गैप, मतलब फुल एकदम, मतलब स्मैश कर दिया सारे टाइगर्स को एक साथ, एक दिन में 4,000, 5,000, 10,000 टाइगर्स की हंटिंग हो रही थी, जो कि 55,000 से सिर्फ 1827 पर आ गए। और अभी और कम हो चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमने जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बनाया उसके बाद से जो टाइगर्स की जो जनता थी वो बढ़ने लगी पॉजिटिवली। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि टाइगर की, मतलब रियल में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी है, ठीक है। फिर द मेजर थ्रेट ऑफ अ टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे, बेस स्पीशीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसका मेजर थ्रेट क्या था, ये क्वेश्चन एक अलग से एक मार्क्स में आ सकता है, कि इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा इसको, कि मेजर थ्रेट था टाइगर की पॉपुलेशन कम होने का। सबसे पहला था पोचिंग, किडनैप करके उनको बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है, किडनैप करके दूसरे देश में भेज दिया जाता था, तो इसको हम कहते हैं पोचिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, पोचिंग के बाद में श्रिंकिंग हैबिटेट, श्रिंकिंग मतलब उनके घर डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, जो वो खाता था वो खत्म होने लगे, ठीक है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ह्यूमन तो है ही सही, तो वो हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन, जो ट्रेड होता था टाइगर स्किन की, एंड यूज ऑफ बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इनके कारण जो स्किन की ट्रेडिंग थी, उनकी बोन्स से जो मेडिसिन बनती थी, उनके कारण एशिया जो टाइगर थे वो कम होते जा रहे थे। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड द हैबिटेट ऑफ टू अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट ऑफ पोचिंग एंड लीगल ट्रेडिंग। अब इंडिया और नेपाल के अंदर क्या हुआ बच्चों, सबसे ज्यादा मतलब 2/3 ऑफ नंबर, टोटल नंबर का 2/3 टाइगर जो इंडिया और नेपाल में पाया जाता था, इसके कारण से सबसे बड़ा टारगेट बन गया ये पोचिंग और ट्रेडिंग के लिए। शेरों का किडनैपिंग यहां से होने लगा और किडनैप होके ये कम होते गए, ठीक है। फिर आता टाइगर प्रोजेक्ट वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड इन लॉन्च इन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और ये बहुत ही अच्छे से पब्लिक हुआ
और इससे काफी टाइगर की चिंता बढ़ती गई। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको टाइगर प्रोजेक्ट में लिखकर आने हैं। तो टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एफर्ट सेव एंडेंजर स्पीशीज बट विद द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ मीन ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ सिजेसाइजेबल मैग्नीट्यूड। तो इससे जैसा मैंने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बहुत सारे इंपैक्ट नजर आने लगे। और एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो नेशनल कॉर्बेट ऑफ उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्टर्न बंगाल, है ना, बंदावर्ग नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, फिर सरिस्का वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान, राजस्थान भरतपुर। ठीक है, ये सरिस्का का ही था जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, शायद आपको सलमान खान वाला शायद वही कहा था। मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सम अदर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व के नाम आपको याद रखने। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। चलिए, तो रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। सबसे पहले फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक हुआ रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से थे? दीज आर मोस्ट वाइटल फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अबाउट द हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन प्लेस्ड अंडर दिस कैटेगरी। जितने भी हमारे पास जंगल थे, ये जो पूरा जंगल है, इस जंगल में से आधा पार्ट किसमें दे दिया इन्होंने? रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक है, वे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट टू द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो इन्होंने क्या किया, 1/3 पार्ट, है ना, 1/3 जो था वो उसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में दे दिया। ठीक है, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड, अगर रिजर्व भी है और प्रोटेक्टेड भी है तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा? परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बनेंगे ये? परमानेंट फॉरेस्ट। इनको परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से दे दिया गया। फिर आता है अनक्लास। अनक्लास बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी ओन दीज लैंड, दीज मोस्ट इंक्लूडेड फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड। तो क्या हुआ कि जो अनक्लास थे वो थे जो प्राइवेट, जैसे कि कोई एक पर्सन इंडिविजुअली उसको संभाल रहा है, या फिर कोई कम्युनिटी, जैसे कुछ कम्युनिटीज होती है वो जंगलों में रहती है आदिवासी, तो पूरा वो उसको ओन करते हैं, वो पूरा ध्यान रखते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे पीते हैं, सारा काम वो वहीं करते हैं। तो ये एक अलग से एक क्लास बने जिसका नाम दिया अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट के एग्जांपल मध्य प्रदेश रिजर्व प्रोटेक्टेड जो होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, प्रोटेक्टेड में बिहार हरियाणा पंजाब हिमाचल और उड़ीसा, और अनक्लास में आएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये आपको पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे। चलिए, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कम्युनिटी का क्या रोल था कंजर्वेशन के लिए? जो लोकल कम्युनिटी है उनका बहुत बड़ा मेजर रोल था अपने कंजर्वेशन के लिए। जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हुआ, उसके अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले था। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन सीधे सीधे पॉइंट्स में बात करते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो माइनिंग होती थी उसके आसपास के एरिया में, उसके लिए जो राजस्थान के जो विलेजर्स थे उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत लड़ाई करी, बहुत संघर्ष किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, कि भाई जो हमारे जंगल है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाली रिजर्व है टाइगर की, उनको खतरा हो रहा है किससे? माइनिंग से। तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। द फाइव विलेज लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इन द इनहैबिटेड हैबिटेंट्स हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट द भैरव डाकर सेंचुरी, दे डोंट अलाउ हंटिंग इन दिस रीजन एंड हेंस प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एन आउटसाइड हार्म। तो इन लोगों ने 1200 हेक्टेयर जमीन किस नाम से रिजर्व कर दी? भैरव डाकर सेंचुरी के नाम से। ठीक है, इस नाम से रिजर्व कर दी, और इस नाम से रिजर्व करने के बाद उन लोगों ने वहां पे सबको बैन कर दिया, ना कोई जाएगा ना कोई आएगा, ना बैन, मतलब ना हंटिंग होगी, ना ही वहां पे किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाया जाएगा। फिर एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट चिपको मूवमेंट, जिसके बारे में सबने सुना होगा। क्या करते थे? पेड़ों के पास जाके चिपक जाते थे, है ना, सुंदरलाल बहरवा करके जो थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था, है ना, फ्लोरा जिसमें पेड़ों को बचाया जाता था, पीपल टुगेदर सेव द एनवायरमेंट। फिर आया बीच बचाओ आंदोलन, जिससे क्या करते थे ये उत्तराखंड और नंदवाना में ये क्या करते थे? प्रमोट करते थे पीपल को कि वो केमिकल्स का यूज ना करें, ठीक है, सिंथेटिक केमिकल का यूज ना करें, और क्रॉप हार्वेस्टिंग में, मतलब जिसमें केमिकल के यूज बिना ही क्रॉप को उगाया जा सके, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। ठीक है सर, 12th को क्लासेस आफ्टर 2 रखो, 12th को है क्या क्लास? तो देख लेंगे अभी, है ना, 2 बजे के बाद। चलो मैं चेक के बता दूं। ठीक है, फिर एक जेएफएम मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता था? गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी साथ में मिलकर क्या करती थी? जंगलों को बचा रही थी। जब पता चल गया था, मतलब गवर्नमेंट को भी और इंसानों को भी पता था कि यार हमें बचाना है, तो इन्होंने मिलकर संघर्ष किया और साथ में बैठ के
इन लोगों को बचाया, जैसे कि हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टार्टेड इन ओडिशा इन 1988, तो जिससे क्या हुआ फॉरेस्ट रिस्टोर होने लगे और जंगलों को बचाया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था जो इंपॉर्टेंट था, पूरा रिविजन इसके अंदर हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा, वाटर रिसोर्सेज, जो बहुत छोटा सा चैप्टर है तो उसको हम खटाखट से खींच लेंगे। ठीक है, सेबर टूथ क्लास इन बे देखा कितना डेंजरस लगता है, टाइगर से भी ज्यादा डेंजरस। अच्छा ऐसा देख लेंगे बेटा, चलो चलिए अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर जो है फॉरेस्ट रिसोर्स वॉरी वाटर रिसोर्सेज। अब जैसे हमने देखा पहले नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का एक पार्ट हमने किसमें देखा, हमने देखा फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में। और अब आएगा कौन सा, वाटर रिसोर्स। तो ये इंटरकनेक्टेड है नेचर ऑफ रिसोर्स, अगर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा है तो ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली देखना है। चलो आगे बात करते हैं सेक्रेट ग्रुप, सेक्रेट ग्रुप बेटा उसके बारे में एक बार ऐसे थोड़ा सा रीडिंग कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक। ठीक है, 13 को AI का एग्जाम है। अच्छा ठीक है चलो, तो वाटर, वाटर के बारे में सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पे 3/4 जो पानी है वो सिर्फ पानी पानी, मतलब जो धरती है उस धरती पे 3/4 पानी से कवर्ड है। तो जो हमारी पृथ्वी जो है वो ब्लू दिखती है पूरी, क्यों दिखती है, क्योंकि पूरी धरती पे हमारे पानी ही पानी है। ठीक है, अब 3/4 तो पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो ड्रॉप टू ड्रिंक, सुनी होगी ना पोयम आप लोगों ने कि हर जगह पानी है लेकिन पीने को पानी नहीं है, है ना। एक सेलर था वो ऐसे समुद्र में जा रहा था, उसका पानी खत्म हो गया था, तो एक कहानी है शायद इंग्लिश में है, आप लोगों के अभी नहीं आई तो अगले साल आ जाएगी, अगले साल या 12th में, है ना। तो वाटर बट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज, और उस फ्रेश वाटर में से भी थोड़ा बहुत पार्ट तो किसमें, ग्लेशियर्स में, जो कि जमा हुआ है ना, जमा हुआ है तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी है हमारे पास। वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस, सबको पता होना चाहिए वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। चल आगे बात करते हैं वाटर स्कैसिटी, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में हमारे पूरे पृथ्वी पे ये है वाटर की स्कैसिटी, इतना पानी होने के बाद भी वाटर की स्कैसिटी क्यों हो रही है। ठीक है, तो वाटर की स्कैसिटी इसलिए हो रही है क्योंकि वाटर है तो सही लेकिन प्योर वाटर नहीं है हमारे पास, पीने योग्य पानी नहीं है, तो इसीलिए हमको उसकी स्कैसिटी और नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वाटर स्कैसिटी कॉज बाय ओवर एक्सप्लोइटेशन एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो वाटर की स्कैसिटी क्यों है, पहला पॉइंट ओवर एक्सप्लोइटेशन, ज्यादा यूज, मन मर्जी से लगे हुए हैं, पाइप लेके बैठे हैं पूरे घर में, ऐसे पूरे बाहर रोड पे पूरी सड़कों पे धो रहे हैं, पानी फैला रहे हैं और गाड़ियां धो रहे हैं, तो वो क्या है ओवर एक्सप्लोइटेशन, पे मतलब का पानी फैल रहा है ना। ब्रश कर रहे हैं तो पानी नल चालू है क्योंकि ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उसमें से पानी की कमी। फिर दूसरा पॉइंट एक्सेसिव यूज, हद ही यूज हो रहा है, कहीं कहीं तो बेमतलब का यूज हो रहा है, लेना ना देना, मतलब बहुत सारा पानी है तो कुछ भी यूज करो। ठीक है, फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अब कुछ लोगों के पास तो खूब पानी है, कुछ लोगों के पास पानी ही नहीं है, है ना, कुछ लोग बेचारे प्यासे घूम रहे हैं उनके पास पानी नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ स्कैसिटी, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेशन एरिया फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। ड्राई सीजन में हम क्या करते हैं, पानी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों, सिर्फ इरिगेशन के लिए, पानी का इरिगेशन कर, वो एग्रीकल्चर इरिगेशन कर रहे हैं तो इस वजह से हम ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर हमने देखा इन सम एरियाज वाटर इज सफिशियंटली अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट दोज एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। कई जगह क्या है, पानी बहुत है, बहुत पानी है, बहुत पानी है, पूरा भरा पड़ा है नालों से, लेकिन साफ पानी नहीं है वहां पर। तो पानी है लेकिन उन लोगों की नीड तो फुलफिल हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, उनके पास क्लियर वाटर नहीं है पीने लायक, तो वहां पे इसकी वजह से ये क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से दुखी है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। अब क्या नुकसान हो रहे हैं हमें, है ना, क्या क्या अफेक्शन हो रहा है वो देखते हैं। पहले सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम अवर हेल्थ हजार्ड, भाई अगर हम पानी अच्छा पियेंगे तो हम हेल्थ हजार्ड से बच के रहेंगे, नहीं तो क्या होगा,
पानी से फैलने वाली बीमारियां बढ़ जाएगी। ठीक है, पानी से कितनी बीमारियां फैलती है, अगर गंदा पानी पियोगे तो बहुत सारी बीमारियां होगी, तो वो सबसे बड़ा दिक्कत। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए सबसे पहली चीज, कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी भी चाहिए, पानी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो उसके लिए कंटिन्यूएशन इन आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो हमारे लाइवलीहुड हमारे जीने के लिए जरूरी है, और हमारे प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जो हम काम करते हैं उसके लिए खाना तो जरूरी है। ठीक है, बिना खाए पिए कैसे काम करोगे, अभी आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो फिर भूख लगेगी कुछ खाओगे, तो उसकी वजह से पानी की भी कमी होती है। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, और पानी की बचत क्यों करनी है, हमारे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारी लाइवलीहुड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे पास पानी कम होगा, पानी कम होगा तो हमारी लाइवलीहुड इफेक्ट होने लगेगी। फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिजेक्ट रिवर्स के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेन करेगा आप लोगों के लिए, आपको इसमें से पक्की बात है क्वेश्चन फटेगा इसमें से 100% आएगा, तो इसको बिल्कुल सीरियसली पॉइंट्स को सुनते जाना और दिमाग में उतारते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एंशिएंट, जब हम पुराने जमाने की बात करें एंशिएंट टाइम पर क्या होता था, पानी को कंजर्व करने के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, जैसे कि डैम बिल्ड करते थे, है ना, ऑफ स्टोन रबल, है ना, रिजर्वायर, लेक एम्बैंकमेंट एंड कैनाल फॉर इरिगेशन। डैम हो गया, रिजर्वायर हो गए, एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब पता है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, अब मान लीजिए यहाँ पे पानी ज्यादा आया, पानी क्या करते हैं ये लोग, है ना, यहाँ पे ऐसे अलग से एक एम्बैंकमेंट बना लेते हैं, साइड में ऐसे वॉल बना के इधर पानी शिफ्ट कर लेते, तो उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट। ठीक है, वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग द डैम एट मोस्ट ऑफ द अवर रिवर। तो ये चीज हमारी आज भी जारी है, मॉडर्न इंडिया में भी ये जारी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डैम बना रहे हैं हमारे रिवर बेसिन पे। डैम कैसे होता है, देखो यहां से जैसे मान लीजिए रिवर जा रही है, तो यहाँ पे डैम बनाते हैं, डैम बनाएंगे तो यहाँ पे रिजर्वर बन जाता है ये। अब देखो ये डैम नहीं होता, ठीक है, कई बच्चों को पता है कि ये डैम है, ये डैम नहीं है, दिस इज अ स्पिलवे, अभी आगे पढ़ेंगे हम। डैम इसको कहते हैं जो रिजर्वायर बनाया ना, इसको हम डैम कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे हम। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है डैम, डैम लेक इरिगेटेड सिस्टम वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब पुराने जमाने से बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य जी के कार्यकाल से ही डैम लेक और इरिगेशन सिस्टम बिल्ट अप होने लगे। इसमें कुछ एग्जांपल है, कलिंगा ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इज द प्लेस वेयर एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क फॉर्म। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जहां पर आपको ऐसे पॉइंट्स मिले, ऐसे मतलब एविडेंस मिले, मतलब सबूत मिले, जहां पर आपको ये दिखेगा कि सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हुआ है, वहां डैम बना है, या फिर मान लीजिए रिजर्वायर बने हैं, लेक्स बने हैं, या पत्थरों के बहुत सारे ऐसे एविडेंट मिले हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पर डैम बनाया गया। भोपाल लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन 11th सेंचुरी। तो एक भोपाल लेक है, बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट लेक है, जो कि 11th सेंचुरी में बनाई गई, है ना। फिर ये इल्तुतमिश कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक इन हॉजकास, आज के टाइम पे आप लोग गए होंगे दिल्ली में, है ना, दिल्ली में गए होंगे तो दिल्ली में आपने देखा होगा वहां हॉजकास नाम की एक जगह है, जहां पे बहुत ही एक मतलब कहते हैं ना, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत पॉश एरिया हो गया वो, तो वहां पर भी हमने देखने को मिला सप्लाइंग ऑफ वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया इन द 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में पानी का सप्लाई करने के लिए वहां पर इरिगेशन टैंक्स बनाए गए वाटर सप्लाई के लिए, और वो टैंक्स आज भी वहां पर आप देख सकते हो अगर जाओगे तो। ठीक है, तो हॉजकास एक जगह है दिल्ली में जो दिल्ली से बहुत दूर है, बट वो अब दिल्ली में आ गई है, पहले दिल्ली में नहीं थी, अब दिल्ली में आ चुका है। ठीक है, फिर बात करते हैं डैम। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर लेक एंड इम्पाउंडमेंट। डैम रेफर टू द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर। अब जो डैम होता है ना, ये डैम नहीं है, देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डैम नहीं है, दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्पिलवे। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पिलवे, स्पिलवे, या फिर इसको बोलते हैं वियर, डब्ल्यू ई आई आर होता है, डब्ल्यू आई ई आर होती है, स्पेलिंग देख लेना, है ना, या तो स्पिलवे बोलते हैं इसको या वियर बोलते हैं, इसको डैम नहीं बोलते, दिस इज अ स्ट्रक्चर। इसके पीछे जो पूरा पानी इकट्ठा हुआ है, जो रिजर्वायर बना है, हम उसको डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट द डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो
ऑप्टेन ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, जिसमें आप रिजर्वायर बना दोगे, इंबाउंडमेंट बना लोगे, साथ में साइड में बाउंड्री बना लोगे, है ना, तो उसको हम डैम बोलते हैं। और स्पिलवे होता है जो स्ट्रक्चर होता है जो पानी के सामने खड़ा किया जाता है, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव, बताते हैं अभी। ठीक है, फिर आता है यूज ऑफ डैम। अब डैम के बहुत सारे यूज है, बहुत सारे मतलब अल्टीमेट मतलब बहुत तगड़े तगड़े यूज है। जैसे सबसे पहला इंबाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर। अब मान लीजिए ये नदी है ना, तो चली जाएगी। अब मान लो पानी आना बंद हो गया, तो इसके आसपास का जो एरिया होगा वहां पे एग्रीकल्चर कैसे सस्टेन कर पाओगे, तो क्या करते हैं डैम बना लेते हैं। अब डैम बना लिया तो हमारे पास यहाँ पे एक बढ़िया रिजर्वायर बन गया, तो कभी भी यहाँ पे पानी जा सकता है ना, तो पानी की कमी नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, जिससे हम डैम बनाते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर हमेशा वहां पर रहेगा। ठीक है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने देखा होगा कि जो डैम होते हैं, जैसे ये डैम है, तो ये डैम के यहां पर है ना, इस एरिया में ऐसे टर्बाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये टर्बाइन लगा देते हैं, अभी पानी यहां से बहुत प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आएगा तो ये टर्बाइन को घुमाएगा, फिर यहां से ऐसे तारों में जाके इधर करंट बनेगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जिससे हम जो डैम का यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज। तो जो वाटर सप्लाई हो रहा है कहां पर, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री में जो सप्लाई हो रहा है वो एक बहुत मेजर यूज है डैम का, कि जो पानी रिजर्वायर में सेव है वो इंडस्ट्रीज में जाएगा, आराम से वो इंडस्ट्री में जाकर हमारी इंडस्ट्रीज को मतलब आगे बढ़ाने में काम आएगा, जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। रिक्रिएशन सॉरी फ्लड कंट्रोल। अब मान लीजिए डैम है किसी भी जगह पे, तो अगर पानी एकदम से तेज आ गया, बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई, तो वहां पर बाढ़ के हालात कम हो जाएंगे, तो फ्लड भी कंट्रोल होने लगा। रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। रिक्रिएशन मतलब जैसे मान लीजिए अभी ये नदी जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, जल्दी जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह डैम बना, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, अभी यह डैम बना था, एक बड़ा सा ऐसे पानी का इकट्ठा होगा, तो इसके आसपास है ना बहुत सारी चीजें होगी, जैसे ग्रीनरी हो जाएगी, है ना, प्लांट्स को, एनिमल्स को बहुत सारी चीजें मिलेगी। फिर एक और चीज सर, हाँ वो करवा बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो हरियाली यहां पर है ना, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस भी खुल जाते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो रिक्रिएशन में, हनुवंतिया, सुना है आप लोगों ने, हनु एक मिनट, हनुवंतिया WNTIYA, ये हनुमंतिया है कि एमपी में है। ठीक है, जो नर्मदा नदी के शायद डैम के ऊपर बना हुआ है, जिससे रिक्रिएशन है, वहां आप जाके देखेंगे पूरी तरह पानी पानी, ऐसा लगेगा जैसे वो आइलैंड में कन्वर्ट हो चुका हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें, इनलैंड नेविगेशन, फिश एंड ब्रीडिंग। इनलैंड नेविगेशन होगा और फिश की ब्रीडिंग, फिश की ब्रीडिंग मतलब मछलियों को अच्छा खासा पानी मिलेगा, मछलियां खूब हंसती खेलती वहां पर रहेगी, मस्त एकदम खुश खुश रहेगी। ठीक है, पानी रहेगा तो मछली खुश रहेगी, वरना वही होगा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी नहीं होगा तो बेचारी नहीं रह पाएगी। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग डैम। अब यार आप बोल रहे हो सर इतने सारे फायदे हैं, लेकिन फायदों के साथ साथ उसके नुकसान भी है, तो जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट, इंटरनेट के बहुत सारे फायदे लेकिन उसके नुकसान भी है ना, मोबाइल, मोबाइल के फायदे लेकिन मोबाइल के नुकसान भी है, आप लोगों के लिए नुकसान है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो डैम के भी बहुत सारे फायदों के साथ नुकसान भी। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो। अब लाइन समझना, नेचुरल फ्लो का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लीजिए रिवर आपने जा रही है, रिवर पे आपने डैम बना दिया, ठीक है, बट इस तरह का नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे, बहुत बढ़िया। तो ये रिवर जो जाती है, तो रिवर है ना जब जा रही होती है ना, तो वो अपने साथ है ना, एक सेकेंड रुको, तो अपने साथ है ना बहुत सारी चीजें लेकर चलती है, मतलब रिवर के साथ पानी तो जाता ही है, लेकिन पानी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के लिए मिट्टी होती है, सॉइल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, एवरीबडी एग्री दिस। तो अगर मैंने यहाँ डैम बना दिया, ठीक है, तो डैम में से पानी तो क्या होगा, ऐसे पतली सी ऐसे वो खोलेंगे अपन गेट, और गेट में से पानी आएगा, तो उस गेट में से सिर्फ पानी निकल पाता है। ठीक है, ओनली वाटर, ओनली वाटर जो है वो सिर्फ अकेला निकलेगा। अब पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा, द
तो पानी पानी निकलेगा मतलब फर्टिलाइजेशन वाली चीज सॉइल और मिट्टी नहीं निकलेगी, तो आगे वाली जो रिवर होगी, आगे वाली धरती होगी वो सूखी हो जाएगी, जैसा बच्चे ने बोला अभी कि वो सूखी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ आयुष, आयुष नहीं चंचल बेटा, एक मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो पानी इधर से जा रहा है वो रुक गया तो क्या होगा, उसके साथ जितनी फर्टिलाइजर वाली चीज है मतलब जो मिट्टी को एक सॉइल इनरिचमेंट कर रही है वो सारी चीजें यही रुक जाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो वो नेचुरल फ्लो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। नेचुरल फ्लो का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाएगा। आयुष बोल रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद, ठीक है बीजेपी, ठीक है। पुअरर द हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक, अब क्या होगा कि यहां तो मछली सेफ है लेकिन मछली बेचारी वहां से उधर चली जाएगी, फिर पानी सूख जाएगा तो मछलियों के लिए भी बहुत सारी दिक्कत होती है, ठीक है। फिर आता है डैम क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन सबमर्ज ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन ऑफ सॉइल लीडिंग डिकम्पोजिशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब यहां से पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है बहुत रफ्तार से छोड़ा जाता है, बहुत तेजी से। अब इतनी तेजी से छोड़ा जाता है, आप जाके कभी देखना डैम पर, है ना, तो बहुत तेजी से पानी छोड़ा जाता है तो क्या पूरी मिट्टी जो होती है वो वहां से उठ के आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो वहां से सॉइल वहां से निकल लेगी, ठीक है। तो इस वजह से भी एक दिक्कत आती है। साइड इफेक्ट में एक और चीज आती है, क्रिएटिंग अ लार्ज डैम हैज बीन कॉज मेनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड त्रिहरी डैम आंदोलन। तो इसकी वजह से कुछ आंदोलन भी हुआ, है ना, लोगों को लगने लगा कि यार हमारे साथ तो बहुत दिक्कत हो रही है ना, मान लीजिए डैम बना देंगे, है ना, तो पानी तो ये स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ तो बहुत दिक्कत है, उनके पास पानी नहीं आएगा, एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी हो जाएगी, जब वो डैम पानी छोड़ेगा तभी तो एग्रीकल्चर हो पाएगा, तो उनको इससे भी बहुत दिक्कत लगने लगी, ठीक है। सर आफ्टर बोर्ड हमारा बैच आप इंस्टा पे यूज करना शुरू कर देना, मतलब क्या बोल रहे हैं उसका, हमारा बैच समझ नहीं आया मुझे, अच्छा जो हैशटैग, चलिए। मेनी टाइम लोकल पीपल हैड टू गिव देयर लैंड लाइवलीहुड टू देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ देम डैम। तो कई बार क्या होता था, जैसे कि डैम बनाएंगे तो डैम बनाने के लिए आसपास का भी एरिया चाहिए, तो जैसे प्लांट्स और पौधे डूब जाते थे, मैंने कहा था पिछले चैप्टर में याद है, मैंने कहा था कि डैम बनाया तो आसपास में पेड़ पौधे बेचारे डूब जाते थे और वो डूब जाएंगे तो वो मर जाएंगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अब इंसान क्या करते हैं, इंसान तो भाग जाते हैं, लेकिन क्या हुआ उनकी जमीन उनकी जगह वो उनको कंस्ट्रक्शन में देनी पड़ जाती थी, तो उससे भी उनका बहुत नुकसान होने लगा था, ठीक है। चलो ये हैशटैग यूज करना है विशालियन, भैया सुन लो भैया सभी लोग, ये डिमांड आई है सबको, ये हैशटैग यूज करना हैश विशालियन, ठीक है। आज से कल से एग्जाम के बाद से सब यूज करेंगे, मैं भी यूज करूंगा, मैं आज ही मेरे सारे इंस्टाग्राम के वीडियोस पे शॉर्ट्स पे सब पे, है ना, यूट्यूब पे सब जगह पे हैशटैग विशालियन कर दूंगा, ठीक है। अनुष्का जी हैप्पी, चलो आज ही करता हूं मैं, आप चेक कर लेना फिर। चलो आगे बात करते हैं, द मोस्ट ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू द फेलियर ऑफ अचीव द पर्पस ऑफ फॉर विच दे आर बिल्ड। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कब आया, जब लोगों को बोला गया कि डैम बनाएंगे और आपके लिए इरिगेशन के लिए पानी आएगा, बट वो ही फेल हो गया, लोगों को पानी नहीं मिलने लगा, है ना। ये बोल रहे हैं, अनुष्का बोल रही है क्रिएटेड बाय अनुष्का, ओके क्रिएटेड बाय अनुष्का भी लिख देना नीचे, ठीक है। तो उनके फेलियर की वजह से, उनको जब पानी नहीं मिल पा रहा, फेलियर हो गया, तो अपोज करेंगे ना। अगर मान लो आपको मैं बोलूं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाऊं नहीं, आपने इसरल ज्वाइन क्यों किया, पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ाएंगे नहीं तो आप लोग क्या करोगे, अपोज करोगे कि भाई आपने हमने बोला था पढ़ाओ पढ़ाओ, पढ़ाया नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, अपोज होने लगा, उनके जो पॉइंट से जो उनको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डैम वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड बट दीज डैम हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स। अब कई बार क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोटा के बारे में बताता हूँ, क्या होता है जैसे मान लीजिए चंबल में अगर बारिश आ रही है, मतलब चंबल नदी में जब बारिश का बहाव बहुत तेज होता है, बारिश बहुत तेज होती है, तो जब चंबल का पानी गांधी सागर डैम से होता हुआ, जवाहर सागर डैम से होता हुआ वहां से छोड़ देते हैं, वहां पे तो क्या होगा, पानी का लेवल मान लीजिए ये लेवल है, मान लीजिए गांधी सागर का लेवल है कि यहां तक है, अब पानी का लेवल यहां आ गया तो वो क्या करेंगे, इस पानी को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन बारिश तो यहां भी हो रही है, तो ये पानी का लेवल यहां से फिर ये डबल हो गया, तो जब ये वाला डैम आएगा तो ये लेवल यहां पहुंच जाएगा यहां की जगह, तो ये पानी का लेवल इनको छोड़ना पड़ेगा, फिर कोटा डैम पर आएगा तो लेवल और बढ़ेगा,
तो जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो वो क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं। तो पानी को वो एक साथ छोड़ेंगे तो जो भी आसपास लोग रह रहे होंगे, जो नदी के आसपास वाले लोग रह रहे होंगे, उनके साथ क्या होगा, बेचारों के साथ, उनको फ्लड का सामना करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, कोटा के अंदर ऐसा होता है कि बारिश आती है तेज, तो बारिश कोटा में तो कम आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश तेज हो गई तो पानी चंबल का यहाँ पे छोड़ा जाएगा। अब यहाँ छोड़ा जाएगा तो उनको पहले ही फोन करके बोल देते हैं, भैया अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप लोग है ना यहाँ से खाली कर दीजिए, एरिया खाली कर दीजिए, क्योंकि अब हम पानी छोड़ने वाले। तो वो एक फ्लड का बहुत मेजर कारण बन जाता है, उनके घरों में पानी आ जाता है बेचारों के, और उनको खाली करके जाना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है ना। हाँ मिसाल, मेरा घर माशी डैम के सामने है। अच्छा, तो आपके साथ भी होता होगा ऐसा, ठीक है। चलो अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा पक्का, एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पक्का आने वाला है, ठीक है। इसको बिल्कुल सीरियस नोट पे चलना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, कंपलसरी है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल मेथड विच रेन फॉल इज कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूसेज। अब डैम के साथ साथ एक बहुत ही मेजर, एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही तगड़ा मेथड होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि नया मेथड स्टार्ट किया है ना। अच्छा क्या पूछ रहे हो, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुकना बेटा, तुम्हारी चैट पर चली गई है, बता रहा हूं मैं आपको, देख क्या था। हाँ हाँ चंचल पूछ रही है इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रिवर्स के थ्रू, ठीक है। आपने देखा होगा जो जहाज वगैरह जाते हैं चंचल, ठीक है, तो जहाज वगैरह जाते हैं उसको कहते हैं इनलैंड नेविगेशन। जो पानी में, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो इसमें एक बार आ जाते हैं वापस से इनलैंड नेविगेशन पर, कहाँ चला गया, हाँ हाँ, तो नदी और इनको एक रास्ता मिल जाता है। इनलैंड नेविगेशन का मतलब ये होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा थ्रू अ वाटरवेज, ठीक है, पानी के जरिए, वाटरवेज के जरिए आपको एक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर आता है रेन वाटर भाई। तो रेन वाटर का मतलब होता है कि घर है, घर के ऊपर आपने एक बढ़िया सा वो बना दिया, यहां पर ये बना दिया, पानी ऊपर से आएगा, इसमें आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऊपर ही लोग बाग ऐसे टैंक बना लेते हैं बड़े बड़े, मान लीजिए घर है, इस घर के ऊपर ही एक टैंक बना लिया, इस टैंक के अंदर जितना पानी इकट्ठा होगा, वो पानी इकट्ठा होकर वो बाद में यूज आ जाता है, ठीक है। पहली चीज, द कलेक्टेड ऑफ रेन वाटर मे स्टोर्ड यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज फॉर डायरेक्टली यूज फॉर रिचार्ज पर्पज, ठीक है। एक डायरेक्ट यूज के लिए हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंट वेस्ट हैज बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरिया फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब एक टॉपिक बन के आया है इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या क्या तरीके अजमाए गए जिससे कि हम रेन वाटर को मतलब सेव कर सके। तो पहला था, इन हिल एंड माउंटेन द रीजन पीपल हैव बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज एंड एग्रीकल्चर। अब कई बच्चे सोच रहे सर ये गुल्स एंड कुल्स क्या है, है ना, तो गुल खिलाए इन्होंने और कुल खिलाए इन्होंने, ठीक है। तो ये गुल खिलाने का मतलब गुल खिलाए इन्होंने, लिटरली गुल खिलाए। गुल खिलाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, माउंटेन कैसे होते हैं, कोन के होते हैं, कोन होता है, ठीक है। अब आपने मैथ्स में है ना फ्रस्टम पढ़ा नहीं, लेकिन फ्रस्टम कई बच्चों ने पढ़ा होगा, कई बच्चों के कोर्स से हट चुका है, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है, कोन को काट दिया है ना, तो क्या करते हैं, जो ऊपर से पहाड़ होता है वो काट देते हैं और वो काट के ऐसे 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 इनलैंड बना लेते हैं ना। तो ये जो ऐसे हेमिस्फीयर होता है ना, हमने पढ़ा था ना कि एक सिलेंडर में से हेमिस्फीयर निकाल लिया, तो इन्होंने क्या किया, कोन में से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वही मैथ यूज करेंगे हम, जो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पानी का स्टोरेज चालू कर दिया, ये वॉल्केनो वाला लॉजिक नहीं है, जो वॉल्केनो होता था ना वो भी ऐसे गड्ढा ही होता है, तो वही तरह का एक प्रोसेस है जिसमें एक गुलदल कुल इसी को कहते हैं कि पहाड़ों पे इन्होंने ऐसे गड्ढे कर दिए और उस गड्ढों के अंदर पानी, क्योंकि हिल्स पे तो क्या है कि पानी बहुत रफ्तार से ऐसे बहता हुआ निकल जाता है, तो इसलिए उन्होंने गुलदल कुल कर दिए माउंटेन एरिया में। याद रखना ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और डाइवर्जन चैनल भी बना दिए, मतलब ऐसे नदियों के लिए रास्ते बना दिए एक तरीके से, ठीक है। चलो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रैक्टिक पर्टिकुलरली इन राजस्थान। अब राजस्थान सबसे, देखो हर जगह क्या है, राजस्थान बहुत ही फेमस है,
मतलब कहते ना राजस्थान के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, तो हर जगह राजस्थान का नाम अपने आप ऊपर उठ के आ जाता है। तो राजस्थान के लोगों ने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत तगड़ा तरीका निकाला कि उन्होंने अपनी छतों पर ही है ना टैंक बनाना चालू कर दिए। पहले तो क्या होता था कि एक टैंक के यहाँ से ऐसे पानी आता था, लेकिन उन्होंने क्या किया टैंक बनाना चालू कर दिया पूरा, तो वो पानी वहीं स्टोर हो जाता था। तो अगर आप आज के बाद आप में से कोई भी घर बना रहा है, मतलब आप तो क्या बनाओगे अभी, आप तो लेट बनाओगे, अगर आप घर बनवा रहे हो, आपके मम्मी पापा घर बनवा रहे हैं या किसी का भी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोग अभी से अपने मम्मी पापा को बोल दो कि भाई हमको क्या करना है, ऊपर टैंक बनवाना है, उस टैंक से हम वो पानी का स्टोरेज, या फिर ऐसा टैंक बनवा लो या फिर इस तरीके से पानी का स्टोरेज, तो ऊपर साफ सफाई भी रखना है, ये नहीं कि गंदा हो रहा है और वो मस्त एकदम गंदा गंदा पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा बन चुका है, चलो जिसका बन चुका है कोई बात नहीं, लेकिन अब जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे या फिर आईएएस आरएएस जो भी बनोगे, तो उसके बाद जब भी घर बनाओगे तो उसमें एक वाटर टैंक जरूर बनाना, ठीक है, जिससे कि रेन वाटर को आप सेव कर सको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है और ये सबको करना है, ठीक है। चलो पायलट बनना है, पायलट बनो, जो भी बनना है उसके लिए करना, ठीक है। तो एक राजस्थान में ये क्राइटेरिया चालू कर दिया तो बहुत अच्छे खासे उस पर चल रहा है, ठीक है। इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इंडशन चैनल टू इरिगेट द फ्लीट। अब इंडशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर आ रही है, अब रिवर ओवरफ्लो होती है, कई बार आपने देखा होगा रिवर ओवरफ्लो हो रही होती है या रिवर में ज्यादा पानी आ रहा होता है, तो क्या होता है कि इधर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसे कैनाल बना लेते हैं, कैनाल जैसा बना लेते हैं, तो ये जो पानी यहां इकट्ठा हुआ उसको स्टोर कर लेते हैं आगे यूज करने के लिए। मतलब एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, लेकिन ये रेन वाटर नहीं, रिवर वाटर हार्वेस्टिंग होगी, कि रिवर के वाटर को साइड में इकट्ठा कर लिया और उसको फ्यूचर के यूज के लिए कर लिया। नहीं समझ में आया, दोबारा समझ लो। जैसे मान लीजिए रिवर जा रही है ना, ये रिवर जा रही है, तो रिवर के पास में, अब आपने देखा होगा रिवर कैसी होती है, जैसे ये रिवर है, ऐसी होती है रिवर, मतलब सामने से देखो ये रिवर ऐसी होती है, इसमें पानी बह रहा है सामने और इधर, तो क्या करते हैं यहां पे गड्ढे बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रिवर ओवरफ्लो होगी तो पानी कहां जाएगा, यहां जाएगा, और रिवर वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी तो पानी आ जाएगा और ये तो भर जाएगा, तो इस भरे हुए पानी को ये यूज कर लेते हैं बाद में, तो बाद के यूज के लिए इसको यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंडशन चैनल, ठीक है। इन एरिड रीजन एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड फॉरेस्ट स्ट्रक्चर दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड द मॉइस्ट एंड सॉइल सच एज द खादिन एंड इन जैसलमेर एंड जोहाद इन अदर पार्ट ऑफ द राजस्थान। अब देखो फिर राजस्थान की बात आ गई, अब राजस्थान की बात क्यों आएगी पानी को लेकर, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की राजस्थान में आती है, ठीक है। तो जो सेमी एरिड होते हैं, सेमी एरिड कौन से होते हैं बेटा, कितने लोगों को पता है सेमी एरिड, जल्दी बताओ सेमी एरिड क्या होता है, नहीं पता है तो जल्दी से मैं बताता हूँ, जल्दी बताओ किसको पता है सेमी एरिड कौन से होते हैं। ओके करण अनुष्का देख लो, यूट्यूब पे भी करण बोल रहा है, विशाली एन यो, तो बहुत बढ़िया, चलो सबको पता है ना, चलो जिसको पता है समझ लो, है ना। क्या हुआ कि सेमी एरिड मतलब जहां पर रेगिस्तान होता है, ठीक है, डेजर्ट इलाका, ठीक है। तो डेजर्ट आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से डेजर्ट जा रहे होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं डेजर्ट। तो क्या किया इन्होंने, अब ये खादिन और जोहाद का मतलब समझ लो, ये एक ही चीज है, बस नाम बदल दिए, जैसलमेर में खादिन बोलते हैं और अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में जोहाद बोलते हैं। तो क्या करते हैं, जब पानी आता है, ठीक है, बारिश आती थी तो ये पानी इस तरीके से बहेगा, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर एक वॉल बना दी, ठीक है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिससे क्या होगा कि जो ये पानी होगा, ये पानी आपके यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। अब इस पानी का स्टोरेज को हम क्या करेंगे, इसको यूज में ले लेंगे, जब ये पानी या तो जमीन में चला जाएगा, तो जमीन में जाएगा तो ग्राउंड वाटर के लिए यूज आ जाएगा, है ना, या फिर यहां पर जब पानी भरा रहेगा तो ये यूज में आ जाता, तो इसी को हम कहते हैं क्या, ये खादिन, ठीक है, खादिन, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि खादिन होता है, देखना सर विशैलियन ट्रेंड्स करेगा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ग्रेसी बेटा चैट में लिख दो, ठीक है, एक बार फिर से समझा दो। अच्छा तो देखो जो डेजर्ट एरिया होता है, तो डेजर्ट एरिया में जैसे ये जहां पे स्लोप आ जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, पानी ऊपर से बरस के नीचे जाता है, जैसे पहाड़ों पे होता है पानी ऊपर से बरस के नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना प्रेशर नहीं होता पानी का, पहाड़ पे तो बहुत प्रेशर होता है, तो अगर वहां पे दीवार बनाओगे तो टूट जाएगी, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर जहां पे रेगिस्तान लगा था तो पानी नीचे जाने लगता था, तो वहां एक दीवार बना दी उन्होंने गड्ढा खोद के। अब ये दीवार जो बनाई ना, इससे जो पानी रिसकर आएगा ऊपर से नीचे, तो ये इकट्ठा होने लग जाता, तो इसी पानी को ये फर्दर यूज में
ले लेंगे। तो इसी को हम कहते हैं क्या, खादिर या फिर जोहार, ये दोनों एक ही चीज है लेकिन जगह के हिसाब से नाम बदल दिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आपके घर पे प्याज को प्याज बोलते हैं, हमारे घर पे प्याज को कांदा बोलते हैं, तो ऐसे ही खादिर को जोहार बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे आप बोलते हो नमक, हम बोलते हैं लूण, तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह चीजें जानी जाती है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, खादिन को जोहार बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे मैं सोचना कि यार ये दो अलग अलग चीजें, सेम ही पर्पस होता है इनका, पानी का स्टोरेज, ठीक है। द टैंक्स आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस ऑफ और द कंट्री यार्ड। दिस इज मेनली प्रैक्टिस इन द राजस्थान। देखो वही चीज मैंने बताई कि जो राजस्थान के अंदर था वाटर टैंक वाली बात, जो घरों के ऊपर डेवलप कर रहे थे वो एक कंपल्सरी बना दिया, ठीक है, कि हर कोई घर के ऊपर या कंट्री यार्ड में, कंट्री यार्ड मतलब जो ओपन एरिया होता है बाहर अपने, उसमें आप ऐसे वाटर टैंक बनाओगे या रूफ टैंक बनाओगे। दिस इज मेनली प्रैक्टिस इन राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर। बीकानेर में क्यों, बीकानेर में भाई बारिश बहुत कम होती है ना, वहां पे पानी की बहुत किल्लत है, तो इस वजह से ग्रेसी बोले नमक को क्या बोलते हैं, नमक को लोण बोलते हैं, लोण लून या लोन बोलते हैं पता नहीं, ऐसे मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलता, मैं तो नमक ही बोलता हूँ, पर ऐसे बोलते हैं। हिमाचल में भी बोलते हैं, अच्छा नून बोलते हैं, नून कुछ लोग नून बोलते हैं, कुछ लोग लून बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बीकानेर में, पलोदी में, बाड़मेर में, इन एरियाज में वाटर, रेन वाटर को बचाना चालू कर दिया, और मेनी हाउसेज हैव बी कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम एडजॉइनिंग द टंकास, टंकास मतलब वही टैंक, टू बीट द समर हीट एज द एज इट कीप द रूम कूल। अब इन्होंने एक काम और चालू कर दिया, ये क्या करते थे, अपने घरों के नीचे, जमीन के नीचे, ठीक है, जमीन के नीचे, मान लीजिए ये इनका घर है, ये हमारा ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल के इन्होंने क्या किया, नीचे अब बेसमेंट में घर बनाना चालू कर दिया, रूम दिया, नीचे बनाने चालू कर दिए, और यहां पर ऐसे टैंकर बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए बेटा, यहां पर टैंकर बना दिए। अभी टैंकर जो बनाए इन्होंने क्या किया, टैंकर से पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, नीचे वाला जो एरिया वो ठंडा रहेगा, मतलब बिल्कुल एसी वाली फीलिंग आएगी, तो बिना एसी के इन्होंने क्या किया, घर को ठंडा कर लिया। तो ये एक पर्पस इन्होंने चालू करा, कहां पर, मेनली जहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है, मतलब जहां पे 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर होता है ना, 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर, वहां पर इन लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह का एक्सेस, मतलब एक ट्रेंड चालू कर दिया कि हम तो अब ऐसा करेंगे, घर नीचे बनाएंगे, ऊपर टंका बनाएंगे, पानी की कमी भी खत्म, पानी का पानी सेव हो जाएगा, प्लस घर में कूलर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहां से पानी लो और ठंडा ठंडा कमरा कर लो, ठीक है। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डिफरेंट मेथड टू अडॉप्ट बाय डिफरेंट एरियाज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल हाउस अक्रॉस द स्टेट। अब ये तमिलनाडु, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इससे, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कंपल्सरली आ सकता है ये एग्जाम में, कि कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट है जिसने कंपल्सरी कर दिया सबके लिए घर पे रूफ टैंक बनाने के लिए, है ना, रूफ टॉप पे वाटर हार्वेस्टिंग चालू करने के लिए। सबसे पहले कौन सी कंट्री थी, वो थी आपकी तमिलनाडु, ठीक है। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर। अगर मान लीजिए आपने घर के ऊपर टैंक नहीं बनाया, अगर आप में से कोई तमिलनाडु में रहता है और अगर उसने घर के ऊपर वाटर टैंक नहीं बनाया है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पे पनिशमेंट मिलेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है आपको, क्या बोलते हैं, फाइन भरना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे झेलनी पड़ सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये चैप्टर ओवर, क्लियर। चलो तो यहां तक किधर इसका सफर, तो इस चैप्टर को एक बार वापस से फुल रिवाइज कर लेना, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, है ना, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आईटी कैसे करें, आईटी तो यार कर लो यार, आईटी के बारे में तो मैं भी क्या बताऊं, आईटी तो मेरी भी अच्छी नहीं है, वरना मैं ही पढ़ा देता आप लोगों को। ये पूछ रहा है मुझसे एक बच्चा, क्या बोल रहा है ये, मेरा भी एआई है तेरा को, अच्छा जिसका एआई है वो तो यार पढ़ लो डायरेक्ट, क्या है उसमें तो कुछ भी नहीं पढ़ना।
हाँ चैप्टर फिनिश हो गया। क्वालिटी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये मतलब ऐसा है जैसे मैं बताता हूँ, क्वांटिटेटिव में नंबर्स की बात होती है ना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है नंबर्स को लेके, ठीक है। अच्छा अमन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों को बता दो। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, सिर्फ नंबर्स पे इंटरप्रेट करेंगे, और क्वालिटेटिव में क्वालिटी की बात करते हैं, बस इतना तो डिफरेंस है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, हिस्ट्री बेटा प्रवीण सर पढ़ाएंगे ज्यादातर चैप्टर, क्योंकि प्रवीण सर की हिस्ट्री बहुत अच्छी है और प्रवीण सर ने पहले पढ़ी हुई है अच्छी खासी तरीके से, इसलिए प्रवीण सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। एक चैप्टर शायद ग्लोबल वाला मैं पढ़ाऊंगा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। सर मुझे तो तितली बताइए आपका आईडी सर। अच्छा तितली ने बताइए, तितली कौन है अब, हाँ ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल सर। एआई की बुक आरडी शर्मा जितनी मोटी है, ओ माय गॉड। अच्छा अनुष्का, अनुष्का है तितली, मेरे को नहीं पता था यार, चलो तो कोई बात नहीं, ठीक है वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया है ना। तो ये चैप्टर हुआ खत्म, अब आप लोग मस्त एकदम मजे करो, पढ़ाई करो, है ना। अनुष्का हैशटैग विशालियन, यार ये सब लोग है ना आज अपने इंस्टाग्राम पे हैशटैग विशालियन लिख लेना यार, बहुत बहुत ही मतलब दिल से वो है रिक्वेस्ट, किसकी है, अनुष्का की, मेरी नहीं है, ठीक है, विशालियन, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लो क्रिएटेड बाय अनुष्का, ठीक है। अनुष्का जी को धन्यवाद तहे दिल से, ठीक है। चलो तो ये भैया सब लोग यूज कर लेना, अनुष्का को खुश कर देना, फिर अनुष्का तुम सबको पार्टी देगी, ठीक है, पार्टी देगी, पिज्जा खिलाएगी अनुष्का, ठीक है। अनुष्का पिज्जा खिलाओगे ना सबको, अच्छा ठीक है। तो कहाँ लिखना है, जो इंस्टा चलाते हैं इंस्टा पे लिख दो, जो यूट्यूब चलाते हैं यूट्यूब पे लिख दो, सब जगह लिख दो, जहां जहां लिख सकते हो वहां लिख लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मैं शेयर कर देना आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ, चलो मैं ये चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमारा ये सफर यही रुकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे शाम को 6:30 की क्लास में, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो कृपया करके 6 बजे पहुंच जाइएगा टाइम पर, और 3 बजे आयुषी मैम पढ़ाने वाली है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय।